Hi, this is Sejati Deshwal and I welcome you all again back to my YouTube channel or welcome if you are coming to this channel for the very first time. I hope that you guys are doing really, really great. And in this particular class, we are going to cover chapter number 15 questions, that is audit of PSU questions for CA final audit from your study material. बिफोर स्टार्टिंग विद दिस लेक्चर, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर आप बार बार भी आते हो बट आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि 53% ऑफ द स्टूडेंट्स आर वॉचिंग माई चैनल, दे हैव नॉट येट सब्सक्राइब टू द चैनल. सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज रिलेटिंग टू ऑडिट एंड एनी अदर काइंड ऑफ वीडियो दैट कैन हेल्प यू टू प्रिपेयर योर एग्जाम्स इन अ बेटर वे. सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर वन ऑफ टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ चैप्टर नंबर 15, दैट इज ऑडिट ऑफ पीएसयू. बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन आपके चैप्टर के अंदर, अगर आपको कंसेप्ट आते हैं तो आप इजीली इन क्वेश्चंस के आंसर दे पाओगे. एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपकी बुक से ही आपको मिल जाएंगे इनके आंसर. हार्डली कोई एक आधा ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप डायरेक्टली अपनी बुक से ट्रेस नहीं कर पाओगे, जिसे आप एनोमली कह सकते हो या आप कह सकते हो कि सिचुएशन स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन है यहाँ पे, तो एक आधा ही ऐसा कोई क्वेश्चन होगा. अदरवाइज आपके पास कोई भी टीचर की बुक है, मैं ये उन बच्चों के लिए कह रही हूँ जो इस लेक्चर को यूट्यूब पर देखेंगे, ठीक है, तो आपको अपनी बुक से यहाँ पे इन क्वेश्चंस के आंसर इजिली मिल जाएंगे क्योंकि ये एसएम के कंसेप्ट के ऊपर ही बेस्ड इनके आंसर्स होंगे. राइट, सबसे पहला क्वेश्चन कहता है दैट पीजीसी एंड एसोसिएट्स आर द स्टैचुरी ऑडिटर ऑफ द बीएनपीसी लिमिटेड व्हिच इज अ पीएसयू इन पावर सेक्टर. तो पीजीसी एंड एसोसिएट्स आपके स्टैचुरी ऑडिटर है किसी पीएसयू के. इस पीएसयू का नाम क्या है? बीएनपीसी लिमिटेड, और ये पावर सेक्टर में इंगेज्ड है. काम क्या कर रही है पीएसयू? ये बनाती है लार्ज साइज थर्मल पावर स्टेशन. इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एक्सेलरेट द डेवलपमेंट ऑफ पावर सेक्टर इन द कंट्री. आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि ये जो पीजीसी एंड एसोसिएट्स है ये एक पीएसयू के स्टैचुरी ऑडिटर हैं. समझ में आया? आगे कहता है वन ऑफ द फाइनेंशियल कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट हैज डिसाइडेड टू एग्जामिन इट्स फिजिकल एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस. हमने आपके चैप्टर के अंदर तीन फाइनेंशियल कमिटी ऑफ पार्लियामेंट के बारे में पढ़ा था. एक थी आपकी पैक, दूसरी थी आपकी सीओपीयू, और तीसरी थी आपकी ईसी, दैट इज पब्लिक अकाउंट कमिटी, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स एंड योर एस्टिमेट कमिटी. अब यहां पे ये क्वेश्चन आपको कुछ तो बातें बोलेगा, राइट, और आपको यह आइडेंटिफाई करना है कंसिडरिंग द फंक्शंस व्हिच आर परफॉर्म्ड बाय दीज कमिटीज ऑफ द पार्लियामेंट कि इस क्वेश्चन के अंदर किस कमिटी की रेफरेंस दी जा रही है. समझ में आया? तो क्वेश्चन कहता है कि वन ऑफ द फाइनेंशियल कमिटी, कि एक फाइनेंशियल कमेटी आपके पार्लियामेंट की जो डिसाइड करिए कि मैं एग्जामिनेशन करूंगी फिजिकल एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ दिस पीएसयू. राइट, आगे कहते हैं कि यही कमेटी ने एग्जामिन भी किया है ऑडिट फाइंडिंग्स ऑफ कैग को इन रिस्पेक्ट ऑफ विच एक्शन इज येट टू बी टेकन बाय द सेड पीएसयू. तो अगर ये पीएसयू है तो इसकी ऑडिट कौन करता होगा? कैग. तो कैग ने अपनी ऑडिट करी होगी, उसके ऊपर कैग ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट बनाई होगी, ठीक है. तो ये जो कैग की ऑडिट रिपोर्ट है इसकी एग्जामिनेशन भी कर रही है ये कमिटी. आगे कहते हैं सिर्फ इतना ही नहीं, ये कमिटी ये प्रपोज भी कर रही है कि मैं अपनी रिपोर्ट के अंदर इस कंपनी की परफॉर्मेंस को भी इंक्लूड करूंगी इन वेरियस ऑपरेशनल मैटर. तो मतलब ये जो कमिटी है आपकी कंपनी की ऑपरेशनल एस्पेक्ट की भी एग्जामिनेशन कर रही है इन ऑर्डर टू इवेल्युएट, इन ऑर्डर टू असर्टेन कि क्या इस कंपनी को मैनेज किया जा रहा है विद द साउंड बिजनेस प्रैक्टिसेस विद द कमर्शियल अप्रोच और नोट. आगे कहता है आपको क्या बताना है, विच फाइनेंशियल कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट डील्स विद द सच मैटर. वही आपने तीनों फंक्शंस देखे, आपको आइडेंटिफाई करना है कि तीनों कमिटी में से कौन सी कमिटी इन मैटर से डील करती है, और जो भी कमिटी आप आइडेंटिफाई करोगे आपको अपने क्वेश्चन के अंदर उस कमिटी के फंक्शंस बतानी है. तो मैं आपको दोबारा से बता देती हूं कि यहां पर बात क्या हो रही है. तो क्वेश्चन कहता है कि एक कमिटी है जो कमिटी एग्जामिनेशन कर रही है आपके फिजिकल एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की, मतलब अकाउंट्स की एग्जामिनेशन कर रही है. तो कौन सी कमिटी अकाउंट की एग्जामिनेशन करती है? दूसरा, एक कमिटी है जो एग्जामिनेशन कर रही है कैग की रिपोर्ट की. तो आप दिमाग लगाओ कि कौन सी कमिटी कैग की रिपोर्ट की एग्जामिनेशन करती है. एक कमिटी है जो एग्जामिनेशन कर रही है आपकी इस कंपनी के ऑपरेशनल एस्पेक्ट की, उसकी एफिशिएंसी की, कि क्या ये अपने बिजनेस प्रैक्टिसेस को, क्या ये अपने ऑपरेशंस को एक साउंड बिजनेस प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंग कंडक्ट कर रही है या नहीं कर रही है. तो जो ये तीन फंक्शंस मैंने बोले, अगर आप तीनों कमिटी में ढूंढोगे तो ये आपको मिलेंगे कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स के अंदर. तो इस क्वेश्चन के अंदर जिस कमिटी की रेफरेंस दी जा रही है वो कमिटी है कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग.
ठीक है। अब क्वेश्चन ने आगे आपको क्या बोला कि आप ये बताओ कि जिस भी कमेटी को आपने आइडेंटिफाई किया, मतलब कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, ये क्या फंक्शंस परफॉर्म करती है। तीन फंक्शंस तो मैंने आपको बता दिया, चौथा फंक्शन ये क्या परफॉर्म करेगी, कोई भी फंक्शन जो इसके ऊपर स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट लगाता है फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है, ये आपका आंसर बनेगा। और यही आपके यहां पे लिखा हुआ है, आप अपनी बुक के पेज नंबर 3 पे जाओगे तो तीनों कमेटी के वहां पे फंक्शंस लिखे हुए हैं, आप वहां से आंसर लिख सकते हो। तो कहता है कि कौन सी कमेटी है, ये है आपकी कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, दैट इज COPU। क्या फंक्शन परफॉर्म कर रही है, ये चार फंक्शन है जो हमने अभी भी डिस्कस करे। क्या कि कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग एग्जामिन करती है रिपोर्ट्स को, अकाउंट्स को, किसके, PSUs के, दैट इज पब्लिक अंडरटेकिंग्स। ये कमेटी एग्जामिनेशन करती है CAG की रिपोर्ट की, जो आपके इस क्वेश्चन के अंदर भी हो रहा है। ये कमेटी एग्जामिनेशन करती है ऑटोनॉमी एंड एफिशिएंसी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग, राइट। एंड क्यों करती है एग्जामिनेशन, ताकि वो ये देख सके कि क्या इन पब्लिक अंडरटेकिंग्स को मैनेज किया जा रहा है इन अकॉर्डेंस विद द साउंड बिजनेस प्रैक्टिसेस एंड प्रूडेंट कमर्शियल प्रैक्टिसेस। इसके साथ साथ ये ऐसा कोई और फंक्शन जो इसके ऊपर पार्लियामेंट का स्पीकर लगाता है फ्रॉम टाइम टू टाइम, वो सारे फंक्शंस भी आपकी ये कमेटी परफॉर्म करती है, ये आपका यहाँ पे आंसर बनेगा। ये आप पढ़ लेना, एक जनरल पॉइंट लिखा हुआ है कि एग्जामिनेशन बेसिकली किस वे से होती है, राइट। ऑल्दो आपका आंसर सिर्फ इतना ही बनेगा कि क्या कौन सी कमेटी की यहाँ पे बात हो रही है और उस कमेटी के फंक्शंस क्या है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन इसका आंसर बहुत 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 सिंपल है। क्वेश्चन कहते हैं PS and Associates are the statutory auditor of CG owned company for a particular year. तो PS and Associates किसी कंपनी की ऑडिट करें जो जिसको ओन कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको ओन करती है, मतलब एक गवर्नमेंट कंपनी की आप ऑडिट कर रहे हो, ठीक है। स्टैचुरी ऑडिटर्स वर रिक्वायर्ड टू एग्जामिन, जब भी आप गवर्नमेंट कंपनी की ऑडिट करते हो तो आप मुझे बताओ इसकी ऑडिट करेगा, जो भी ऑडिटर करेगा, इस ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कौन करेगा, CAG। CAG ही उसको डायरेक्शन देगा ना कि तुझे काम क्या करना है, राइट। तो कहता है कि ये जो स्टैचुरी ऑडिटर हैं, इनको एग्जामिनेशन करनी है फॉलोइंग एरियाज के मैंडेटरीली। आप मुझे बताओ इस ऑडिटर को किसने बताया होगा कि तेरे को मैंडेटरीली इन एरिया की एग्जामिनेशन करनी है जो इन क्वेश्चंस में लिखे हुए, दैट इज एरिया नंबर 1, एरिया नंबर 2, एरिया नंबर 3। तो इसको बताया होगा किसने, CAG ने, राइट। CAG ने इसको बताया होगा। ये आप कहां पे पढ़ते हो, ये हमने पढ़ा था सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन नंबर 5 के अंदर, राइट। तो कहता है कि आपके इस ऑडिटर को एग्जामिनेशन करनी है फॉलोइंग एरियाज की एंड उसको अपने रिप्लाईज वहां पे प्रोवाइड करने हैं, राइट। प्रोवाइड देयर स्पेसिफिक रिप्लाईज एंड ऑल्सो उनका इंपैक्ट क्या पड़ रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर इन दी ऑडिट रिपोर्ट। तो आपका ऑडिटर अपनी रिपोर्ट के अंदर उसका इंपैक्ट भी इवेलुएट करेगा। तो क्या एग्जामिनेशन करनी, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 आपको बताया गया है, ठीक है। आपको क्या बताना है, आपको यह बताना है कि कैन यू गोज लाइकली नेचर ऑफ सच रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्रस्ट अपॉन द ऑडिटर ऑफ अबव PSU। तो आपको यह बताना है कि किस नेचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात ऊपर गिवन सिनेरियो में हो रही है। मैं ये पढ़ नहीं रही हूं कि पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 में बेसिकली किस एरिया की उसको एग्जामिनेशन करनी है। इसका रीजन सिंपल सा ये है, क्वेश्चन सिर्फ आपसे ये पूछ रहा है कि यहां पे किसकी बात हो रही है, किस नेचर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है और ऑडिटर के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लगा रहा है। समझ में आ रहा है, ये आपका क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन का आंसर अगर तुम पढ़ोगे तो हमने इन तीन पॉइंट्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है, इस वजह से मैं टाइम नहीं वेस्ट कर रही हूं। आपको पढ़ना तो आप पढ़ सकते हो, ये वो मैटर है जो CAG ने बोला है कि आपके ऑडिटर को इनके ऊपर रिपोर्ट करनी है, यहां पे कोई भी डेविएशन है, इनका फाइनेंशियल इफेक्ट क्या है, आपका ये जो ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर इसको बताएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आप ये बताओ ये किस टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो ऑडिटर के ऊपर डाली गई है और कौन इसको डालेगा, ठीक है। तो यहां पे CAG डायरेक्शन दे रहा है अपनी ऑडिट के लिए। मैंने क्या बोला कि कौन सा सेक्शन यहां पे आएगा, 143 सबसेक्शन नंबर 5। तो कहते हैं एरियाज विच आर मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, तीन एरियाज है यहां पे, 1, 2, 3। सो एरियाज विच आर मेंशन्ड इन द क्वेश्चन फॉर विच, जिसके लिए स्टैचुरी ऑडिटर ऑफ द PSU वर रिक्वायर्ड टू एग्जामिन,
तो आपके इस पीएसयू के ऑडिटर को एग्जामिनेशन करनी है, रिपोर्ट करनी है और उनका इंपैक्ट क्या पड़ रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, उसको बताना है अपने रिपोर्ट के अंदर। तो कहते हैं उसको एग्जामिन करना है, रिपोर्ट करना है, इंडिकेट करना है इंपैक्ट ऑफ दीज मैटर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विच आर लाइकली। तो ये किससे रिलेटेड होगी, दीज आर लाइकली टू रिलेट टू द डायरेक्शन विच इज इश्यूड बाय CAG to the statutory auditor under section number 143 subsection number 5। तो ये जो responsibility उसके ऊपर डाली गई है ना question के अंदर, वो responsibility किस nature की है, ये आपका question था ना, nature है CAG ने direction दिए statutory auditor को कि तुझे अपनी audit करनी कैसे है। तो कहता है फिर इसने आगे सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन नंबर 5 का ही प्रोविजन लिखिए। एज पर सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन नंबर 5, अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी है, ये गवर्नमेंट कंपनी है विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन नंबर 45, क्योंकि इसको फुल्ली ओन कौन कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कहते हैं इन टर्म्स ऑफ सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन नंबर 5, अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी है, द कैग के पास पावर है कि वो ऑडिटर को डायरेक्ट करेगा कि किस मैनर में तुझे अकाउंट्स ऑफ द कंपनी की ऑडिट करनी है। तो कहते हैं द कैग में डायरेक्ट द ऑडिटर द मैनर इन विच अकाउंट्स ऑफ द कंपनी आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड एंड ऑडिटर अपनी रिपोर्ट को सबमिट करता है कैग के पास एंड अपनी रिपोर्ट के अंदर जो उसकी फाइंडिंग्स है वो तो इंक्लूड करेगा ही करेगा, इसके साथ साथ आपकी इनको इन सारे मैटर्स को भी इंक्लूड करता है। नंबर वन कि कैग ने उसको क्या डायरेक्शन दी, कैग ने उसको क्या डायरेक्शन दी कि तुझे इन सारे एरिया की एग्जामिनेशन करनी है, ठीक है, और आपके ऑडिटर ने उसके ऊपर क्या एक्शन लिया और इसका इंपैक्ट क्या पड़ रहा है ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड अकाउंट्स ऑफ योर कंपनी। तो यहां पे यही तो बात हो रही थी, राइट। तो ये क्या है, यहां पे किस टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो ऑडिटर के ऊपर डाली जा रही है, ये है आपकी डायरेक्शन ऑफ द कैग। इस वजह से मैंने आपके इन तीन पॉइंट्स को नहीं पढ़ा, क्योंकि क्वेश्चन आपसे इसकी कोई रेलिवेंस नहीं है यहां पर। टेस्ट योर नॉलेज का सबसे पहला क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्टली क्वेश्चन आपको बुक से मिल जाएगा, पेज नंबर 14 के ऊपर जो आपका लास्ट कंसेप्ट है इफ आई रिमेंबर करेक्टली, दैट इज कंटेंट ऑफ कैग रिपोर्ट, ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहते हैं दैट द रिपोर्ट ऑफ द CAG ऑफ इंडिया ऑन द ऑडिट ऑफ PSU, कि जब भी आपका कैग ऑडिट करते हैं PSU की और अपनी रिपोर्ट बनाते हैं, इन रिपोर्ट्स को प्रेजेंट किया जाता है बिफोर द पार्लियामेंट एंड टू वेरियस स्टेट लेजिस्लेचर, ये हमें पता है, ठीक है, क्यों, ताकि फैसिलेट हो सके प्रॉपर कंसिडरेशन, ताकि इन ऑडिट रिपोर्ट को एक प्रॉपर कंसिडरेशन मिल सके। आपको बताना क्या है, क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन कहता है आपको एन्यूमरेट करने कंटेंट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट विच इज प्रेजेंटेड बाय कैग इन फ्रंट ऑफ पार्लियामेंट एंड दीज स्टेट लेजिस्लेचर, कि कैग की रिपोर्ट के कंटेंट क्या होंगे। डायरेक्टली पेज नंबर 14 पे जाओगे आपको इसका आंसर मिल जाएगा, मैं यहीं से पढ़ रही हूं, ये एग्जैक्टली सेम वर्डिंग्स वहां पे है, इतने ही पॉइंट्स वहां पे लिखे हुए। तो कहते हैं कि टू फैसिलेट अ प्रॉपर कंसिडरेशन, ताकि इन ऑडिट रिपोर्ट की प्रॉपर कंसिडरेशन हो सके, कैग की रिपोर्ट किसके ऊपर ऑन द ऑडिट ऑफ PSU, इसको प्रेजेंट किया जाता है पार्लियामेंट के सामने इन डिफरेंट पार्ट्स, इन सेवरल पार्ट्स एज फॉलोज। कौन कौन से पार्ट, सबसे पहले कैग की रिपोर्ट के अंदर एक इंट्रोडक्शन का पार्ट होता है, ठीक है, तो इंट्रोडक्शन के पार्ट में होता क्या है, एक जनरल रिव्यू होता है, किस चीज का जनरल रिव्यू, अबाउट द वर्किंग रिजल्ट, किस चीज के वर्किंग रिजल्ट, आप ऑडिट किसकी कर रहे हो, गवर्नमेंट कंपनी की या गवर्नमेंट कॉर्पोरेशंस की या डीम्ड गवर्नमेंट कंपनी की, ठीक है। तो कहते हैं कि जो इंट्रोडक्शन का पार्ट होता है रिपोर्ट का, इंट्रोडक्शन के पार्ट के अंदर एक जनरल रिव्यू होता है अबाउट द वर्किंग रिजल्ट ऑफ दीज गवर्नमेंट कंपनी, डीम्ड गवर्नमेंट कंपनीज एंड कॉर्पोरेशन। तो फर्स्ट पार्ट क्या होगा क्या की रिपोर्ट के अंदर, इंट्रोडक्शन कंटेनिंग अ जनरल रिव्यू ऑफ द वर्किंग रिजल्ट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज, डीम्ड गवर्नमेंट कंपनीज एंड कॉर्पोरेशन। दूसरा पार्ट इसको ध्यान से देखना, कहता है कि आपका जो ऑडिट बोर्ड है ना वो कंडक्ट करता है कॉम्प्रिहेंसिव अप्रेजल, कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, किसकी, कुछ सिलेक्टेड अंडरटेकिंग्स की, और उस कॉम्प्रिहेंसिव अप्रेजल का जो रिजल्ट होता है वो कैग की रिपोर्ट में एक अलग पार्ट के अंदर आएगा। तो कहते हैं रिजल्ट ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव अप्रेजल ऑफ सिलेक्टेड अंडरटेकिंग्स विच इज कंडक्टेड बाय द ऑडिट बोर्ड, समझ में आया। फिर थर्ड पार्ट के अंदर जो अभी आपने कंपनी ऑडिट देखी ना, कि जहां पे कैग डायरेक्शन दे रहा है, तो वहां पे कंपनी ऑडिटर रिपोर्ट का रिज्यूमे होता है। तो कहते हैं रिज्यूमे ऑफ द कंपनी ऑडिटर्स रिपोर्ट विच इज सबमिटेड बाय द कंपनी ऑडिटर, किसको सबमिट की होगी, कैग को सबमिट की होगी। तो कहते हैं सबमिटेड बाय द कंपनी ऑडिटर टू द कैग अंडर द डायरेक्शन, और डायरेक्शन कौन इनको इश्यू करता है, कैग, अंडर द डायरेक्शन विच इज इश्यूड बाय द कैग, एंड जो कैग ने आपकी गवर्नमेंट कंपनी के, नहीं, जो आपके कंपनी ऑडिटर के जो कमेंट है गवर्नमेंट कंपनी के अकाउंट्स के ऊपर, राइट, एंड दैट कमेंट्स ऑन द अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी। आपने देखा था थर्ड पॉइंट के अंदर उसके फाइनेंशियल इफेक्ट को भी बताते हैं,
इसके साथ साथ जो आपके ऐसे अंडरटेकिंग्स हैं जिनको ऑडिट बोर्ड ने सेलेक्ट नहीं किया, जहां पे कॉम्प्रिहेंसिव अप्रेजल नहीं हुआ, तो कहते हैं उन अंडरटेकिंग्स की ऑडिट के सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स को आप नेक्स्ट पार्ट में इंक्लूड करोगे। तो सिग्निफिकेंट रिजल्ट ऑफ द ऑडिट ऑफ द अंडरटेकिंग्स विच आर नॉट टेकन अप फॉर द अप्रेजल बाय द ऑडिट बोर्ड। तो ये चार पॉइंट आपको लिखने हैं। क्या सबसे पहले आएगा इंट्रोडक्शन, राइट? जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक आपको ये पॉइंट्स याद नहीं होंगे। सबसे पहले क्या आएगा? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर क्या होगा? जनरल रिव्यू। किसका जनरल रिव्यू होगा? वर्किंग रिजल्ट्स का। किसके वर्किंग रिजल्ट? आप किसके ऑडिट कर रहे हो? गवर्नमेंट कंपनी की, डीम गवर्नमेंट कंपनी की, या फिर आप किसी गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन की ऑडिट करोगे। दूसरे के अंदर क्या होगा? यहां पे आते हैं आपके रिजल्ट ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव अप्रेजल ऑफ दोज अंडरटेकिंग्स व्हिच आर सेलेक्टेड बाय द ऑडिट बोर्ड। तीसरे के अंदर क्या आएगा? रिज्यूमे ऑफ द कंपनीज ऑडिटर रिपोर्ट, राइट? तो उसकी ऑडिटर्स, जो कंपनी का ऑडिटर की रिपोर्ट है, उसकी रिपोर्ट का रिज्यूमे यहाँ पे इंक्लूड होगा। इसके साथ साथ क्या उसको क्या डायरेक्शन दी और उसका क्या कमेंट है आपके ऑडिटर का, तो ये भी यहाँ पे इंक्लूड होगा। और लास्ट में सिग्निफिकेंट रिजल्ट ऑफ दोज ऑडिट ऑफ दोज अंडरटेकिंग्स विच आर नॉट सेलेक्टेड फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव अप्रेजल बाय द ऑडिट बोर्ड। तो ये आपको चार पॉइंट लिखने हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट दो पॉइंट है वो एक स्पेसिफिक कुछ सिचुएशन बता रहे हैं। कहते हैं कि फर्स्ट पॉइंट के अंदर कि ऐसा हो सकता है कि कैग ना कुछ स्टेट के अंदर सेपरेट रिपोर्ट को सबमिट करे फॉर द कमर्शियल एस्पेक्ट, या फिर वो ऐसा कर सकता है कि मेन रिपोर्ट के अंदर ही कमर्शियल चैप्टर ऐड कर सकता है। तो कहता है फॉर सर्टेन स्पेसिफाइड स्टेट कैग सबमिट अ सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट, कमर्शियल रिपोर्ट की बात करें, टू द लेजिस्लेचर, मतलब टू द स्टेट लेजिस्लेचर, वाइल फॉर अदर स्टेट विद द लेजिस्लेचर देयर इज अ कमर्शियल चैप्टर इन द मेन ऑडिट रिपोर्ट इटसेल्फ। अगला पॉइंट कहते हैं जो स्टेट की ऑडिट रिपोर्ट होती है उस स्टेट की ऑडिट रिपोर्ट के अंदर क्या कंटेंट होगी, तो कहते हैं कि स्टेट की ऑडिट रिपोर्ट के अंदर दो चीजें आएंगी। इट कंटेन्स बोथ, क्या? नंबर वन, रिजल्ट ऑफ ऑडिट अप्रेजल ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द सिलेक्टेड कंपनीज कॉर्पोरेशन, एज वेल एज जो भी इंस्टेंसेस मिले फाइनेंशियल इरेगुलरिटी के, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर के, सिस्टम की डेफिशिएंसीज के जो स्टैचुटरी ऑडिटर को मिले। एंड इसके साथ साथ यहां पे भी जनरल रिव्यू होता है ऑफ द वर्किंग रिजल्ट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज एंड गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन। समझ में आ गया? तो ये तुम्हारे यहां पे आंसर बनेगा। अब आता है अगला क्वेश्चन। ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल इन द सेंस कि डायरेक्टली आपको ये बुक से मिल जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन कहता है एबीजी एंड कंपनी आर द चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म has been appointed by SCAG for performance of audit of a sugar industry. तो ABG and company statutory auditor है, इनकी appointment किसने की है? CAG ने। तो जहां पे आपको पता है कि CAG appointment कर रहा है तो आप समझ जाओ कि ये तो government company होगी, कोई government corporation होगी, मतलब कोई PSU वगैरह होगी। तो कहते हैं ABG and company are the chartered accountant firm which has been appointed by CAG फॉर परफॉर्मेंस ऑडिट। ये क्या कर रहे हैं? परफॉर्मेंस ऑडिट को कंडक्ट कर रहे हैं ओवर शुगर इंडस्ट्री। व्हाट फैक्टर्स? आपको ये बताना है कि किन फैक्टर्स को आपका ये स्टैचुटरी ऑडिटर कंसिडर करेगा जब वो अपनी परफॉर्मेंस ऑडिट की प्लानिंग कर रहा होगा। तो डायरेक्टली आपका क्वेश्चन है ये, वहां पे हेडिंग भी यही है कि कौन कौन से फैक्टर्स वो कंसीडर करते हैं व्हाइल प्लानिंग द परफॉर्मेंस ऑडिट। ये आपको मिल जाएगा पेज नंबर 12 के ऊपर। यही फैक्टर्स वहां पे लिखे हुए जो यहां पे लिखे हुए हैं। समझ में आया? अब देखो यहां पे मैं पॉइंट पढ़ दूंगी, लेकिन इसके सामने ना मैंने इजी करने के लिए क्या किया आपके लिए कि स्टैंडर्ड के नंबर लिखे हैं। ऑल्दो यहां पे ऐसे की कोई ऐसा रेलिवेंस नहीं है, बट मैंने इजी करने के लिए ताकि आप रिलेट कर सको स्टैंडर्ड से, मैंने इनके सामने स्टैंडर्ड के नंबर लिखे हैं। अगर आपने इन पॉइंट्स को पहले ऑब्वियसली आपने रिवाइज किया होगा, आपने लर्न किया होगा, किसी और वे से लर्न किया तो आप उस वे से लर्न कर सकते हो अगर आपको ये सही नहीं लगता है, बट मुझे लगता है कि ये बेटर वे होगा, इस वजह से मैंने इसको यहाँ पे लिखा हुआ है। कैसे? कहता है कि किन फैक्टर्स को कंसीडर करेगा आपका ऑडिटर जब वो प्लानिंग करेगा अपनी परफॉर्मेंस ऑडिट की, राइट? तो कहते हैं सबसे पहले आएगा सिग्निफिकेंस एंड नीड्स ऑफ द पोटेंशियल यूजर ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट। कॉमन सेंस है ना? अगर तुम अपने नॉर्मल ऑडिट की भी बात करो, नॉर्मल ऑडिट मतलब स्टैचुरी ऑडिटर जब ऑडिट करता है किसी कंपनी की तो भी वो अपने ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखता है, मतलब कि जो मेरे अल्टीमेट यूजर्स होंगे उनकी नीड्स क्या है, राइट? तो यहां पे भी जब आपका ऑडिटर प्लानिंग करेगा परफॉर्मेंस ऑडिट की तो वो कंसीडर करेगा सिग्निफिकेंस एंड नीड्स ऑफ द पोटेंशियल यूजर ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट, मतलब उसका अल्टीमेटली जो यूजर्स हैं आपके उस ऑडिट रिपोर्ट के उनकी नीड्स क्या हैं,
राइट और ये रिपोर्ट की सिग्निफिकेंस क्या है उन यूजर्स के लिए। यहां पे तुम ऐसे नंबर 200 की रेफरेंस डाल सकते हो, कैसे कि भाई अल्टीमेटली ऑडिट करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, रीजनेबल अश्योरेंस प्रोवाइड करना। रीजनेबल अश्योरेंस तुम किसको प्रोवाइड करते हो, आपके यूजर्स को, इस वे से। राइट आगे आप ऑब्टेन करो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोग्राम विच इज टू बी ऑडिटेड, कि आप जिस भी प्रोग्राम के आप ऑडिट कर रहे हो, परफॉर्मेंस ऑडिट को कंडक्ट कर रहे हो, उस प्रोग्राम की आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी। आप नॉर्मल ऑडिट में भी जिस भी एंटिटी की ऑडिट करते हो तो आप उसकी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करते हो। तो यहां पे एसए की रेफरेंस क्या आ जाएगी, 315। आगे कहते हैं आप लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को भी अंडरस्टैंड करो, ये उस प्रोग्राम के ऊपर क्या लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल होती है। यहां पर तुम रेफरेंस डाल सकते हो एसए नंबर 250 की, कि जब भी तुम किसी एंटिटी की ऑडिट करने जाते हो तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना ये समझना कि उस एंटिटी के ऊपर कौन से लॉज एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल हो रहे। आगे कहते हैं मैनेजमेंट के कंट्रोल्स को तुम अंडरस्टैंड करो, राइट। तो यहां पे भी तुम ऐसे नंबर 315 की अंडरस्टैंडिंग रेफरेंस दे सकते हो, क्या कि जब भी तुम किसी कंपनी की ऑडिट भी करने जाते हो तो वहां पे भी तुम अंडरस्टैंड करते हो ना कि मैनेजमेंट ने क्या कंट्रोल्स लगाए हैं। आइडेंटिफाई करो क्राइटेरिया विच इज नीडेड टू इवेलुएट द मैटर्स सब्जेक्ट टू ऑडिट, तो किस क्राइटेरिया के अगेंस्ट आपका ऑडिटर सब्जेक्ट मैटर की इवेल्युएशन कर रहा है, ये भी ऑडिटर आइडेंटिफाई करता है प्लानिंग के टाइम पे। यहां पे भी तुम एसए नंबर 250 के रेफरेंस डाल सकते हो, कैसे कि लॉ एंड रेगुलेशन भी आपका एक क्राइटेरिया ही होता है जिसके अगेंस्ट सब्जेक्ट मैटर को इवेल्युएट किया जा सकता है। आगे कहते हैं आइडेंटिफाई करेगा सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स एंड रिकमेंडेशन फ्रॉम द प्रीवियस ऑडिट दैट कुड अफेक्ट द करंट ऑडिट ऑब्जेक्टिव, मतलब अगर पिछले साल भी आपने ही ऑडिट करी थी तो वहां पे, या आपने ऑडिट नहीं करी किसी और ऑडिटर ने भी करी है तो उसकी ऑडिट रिपोर्ट तो अवेलेबल होगी ना। तो कहता है ऑडिटर उस रिपोर्ट में से, प्रीवियस ऑडिट रिपोर्ट के अंदर से सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स ढूंढेगा और इवेलुएट करेगा, आइडेंटिफाई करेगा कि प्रीवियस ऑडिटर ने क्या रिकमेंडेशन दी थी जो उसके करंट पीरियड के ऑडिट ऑब्जेक्टिव को अफेक्ट कर सकते हैं। यहां से ऑडिटर को एविडेंसेस भी मिलेंगे कि भाई अगर पिछले जिस ऑडिटर ने भी रिपोर्ट बनाई, चाहे आपने बनाई है किसी और ने बनाई है, तो जहां भी जिस एरिया के अंदर पॉइंट आउट की गई थी डेफिशिएंसी, तो इस साल जब वो अपनी ऑडिट को करेगा तो उसका फोकस उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर ज्यादा होगा, तो यहां से उसको एविडेंसेस मिलेंगे। तो आप इस पॉइंट को और इसके अगले पॉइंट को रेफरेंस दे सकते हो एसए नंबर 500 की। तो कहते हैं पोटेंशियल सोर्सेज ऑफ डाटा, कौन कौन से ऐसे डाटा के सोर्सेज है जिसको ऑडिटर यूज कर सकता है एज द ऑडिट एविडेंस, एंड ऑडिटर ये भी कंसिडर करेगा कि रिलायबिलिटी क्या है उस डाटा की, वैलिडिटी क्या है उस डाटा की। तो दो यहां पे आप रेफरेंस आ गई एसए नंबर 500 की। आगे कहता है ऑडिटर ये भी कंसिडर करेगा प्लानिंग के टाइम पे कि क्या उसे अदर ऑडिटर और एक्सपर्ट का काम यूज करना है ताकि वो अपने ऑब्जेक्टिव को मीट कर सके। तो यहां पे रेफरेंस किसकी आ गई एसए नंबर 620 की। ऑडिटर इंश्योर करेगा कि भाई सफिशिएंट स्टाफ एंड अदर रिसोर्सेज उसके पास होने चाहिए इन ऑर्डर टू कंडक्ट दिस ऑडिट। तो यहां पे तुम एसए नंबर 210 की तुम रेफरेंस डाल सकते हो कि जब तक तुम ऑडिट को एक्सेप्टेंस नहीं दोगे, जब तक तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास उतना स्टाफ नहीं है, फिर अल्टीमेटली आपका जो ऑडिटर है वो राइटिंग में अपना ऑडिट प्लान बनाएगा, दैट इज एसए नंबर 300। तो ऐसे तुम स्टैंडर्ड के रेफरेंस से इन पॉइंट्स को पढ़ सकते हो। कौन कौन से स्टैंडर्ड की रेफरेंस दी, सबसे पहले एसए नंबर 200, मतलब ऑडिटर कंसिडर करेगा कि सिग्निफिकेंस क्या है, एंड सिग्निफिकेंस एंड जो मेरे यूजर्स हैं, इंटेंडेड यूजर्स हैं ऑडिट रिपोर्ट के, उनकी नीड्स क्या हैं। तो एसए नंबर 200, उसके बाद 315, मतलब ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेगा उस प्रोजेक्ट की, उस प्रोग्राम की जिसकी वो ऑडिट कर रहा है, ठीक है। तो क्या आया आपका एसए नंबर 315, फिर एसए नंबर 250, दो पॉइंट थे एसए नंबर 250 के, एक क्राइटेरिया वाला और एक आपका ये लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट वाला। तो ऑडिटर कंसीडर करेगा कि इस प्रोग्राम के ऊपर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट कौन सी एप्लीकेबल हो रही है, एक ये पॉइंट आया। और उसके बाद अगला पॉइंट कौन सा आया, ऑडिटर विल आइडेंटिफाई कि किस क्राइटेरिया के अगेंस्ट सब्जेक्ट मैटर की इवेल्युएशन होनी चाहिए और कौन कौन से स्टैंडर्ड की रेफरेंस आई, 600 की, 620 की, मतलब कि क्या ऑडिटर को यूज करना है अदर ऑडिटर को या ऑडिटर एक्सपर्ट को ताकि वो अपने ऑब्जेक्टिव को मीट कर सके। और तुम ध्यान रखो कि कौन सी और आपने रेफरेंस दी थी एसए नंबर 500 की, जहां पे दो पॉइंट हमने देखे थे, सबसे पहले कि ऑडिटर इवेलुएट करेगा कि पिछले साल क्या जो ऑडिट रिपोर्ट थी उस ऑडिट रिपोर्ट के अंदर सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स क्या थी, रिकमेंडेशन क्या थी, क्या वो उसके करंट ईयर के ऑडिट ऑब्जेक्टिव के लिए भी रेलिवेंट हो सकती है। और ऑडिटर आइडेंटिफाई करेगा उस सोर्स डाटा को जहां से वो एविडेंसेस कलेक्ट कर सकता है, एंड वो कंसिडर करेगा वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ दैट सोर्स डाटा। तो दो आपके एसए नंबर 500 की रेफरेंस आई थी, और लास्ट ऐसे नंबर 300 कि मतलब अल्टीमेटली वो अपना ऑडिट प्लान बना देगा, एक 315 बीच में रह गया, दैट इज मैनेजमेंट कंट्रोल्स। तो आप इनको ऐसे पॉइंट्स को लिख सकते हो, आप इसको लाइन वाइज भी बना सकते हो। लाइन वाइज मतलब क्या,
अपने दिमाग में तुम सीक्वेंस रखो कि सबसे पहले ऐसे 200, फिर 210, एक 210 वाला पॉइंट रह गया यहाँ पे आई थिंक। तो ऐसे अगर तुम याद रखोगे ना 200 210, राइट, 210 के बाद 315 के दो पॉइंट आ गए आपके यहाँ पे, 315 के बाद आपका कौन सा पॉइंट आया ऐसे नंबर 500, तो एक आपका आ गया 500 का पॉइंट, और नहीं दो आ गए आपके 500 के पॉइंट, और लास्ट में 600 और 620 और बीच में 300 वाला पॉइंट। तो आप ऐसे सीक्वेंस भी बना सकते हो, आपको ये इजिली याद हो जाएंगे पॉइंट। समझ में आया? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है दैट सनलाइट लिमिटेड इज अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो सनलाइट लिमिटेड एक पीएसयू है, इंगेज कहां पे इंगेज्ड है, इट इज इंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर सोलर पावर। तो इलेक्ट्रिसिटी बना रही है ये। इट हैड कमीशनड अ न्यू प्रोजेक्ट नियर गोवा। तो एक इसने नया प्रोजेक्ट शुरू किया गोवा के पास, जहां पे नई टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है, और इसकी कॉस्ट है अराउंड 5750 करोड़। अच्छा, तो मतलब किसी पीएसयू की बात हो रही है, आप इतना ध्यान में रखो। द प्रोजेक्ट, पीएसयू के किसी प्रोजेक्ट की बात हो रही है। द प्रोजेक्ट हैड सीन डिले इन कमेंसमेंट एंड कॉस्ट ओवर रन। अब हो क्या रहा है, ये प्रोजेक्ट आपने शुरू कर दिया, जो आपकी एस्टिमेटेड कॉस्ट थी उससे ज्यादा कॉस्ट तुम्हारी इनकर हो रही है, मतलब देर आर इंस्टेंसेज ऑफ द कॉस्ट ओवर रन एंड डिले हो रहा है काम के, प्रोजेक्ट के शुरुआत होने में डिले हो रही है। स्टेट द मैटर्स, अब आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, ये आपको बताने हैं उन मैटर्स को दैट अ कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट बाय द कैग में कवर इन द रिपोर्टिंग ऑन परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी ऑफ दिस प्रोजेक्ट। कि भाई जब आप कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट करोगे तो किन मैटर्स को कंसिडर किया जाएगा, ये भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है, पेज नंबर 12 पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, मीनिंग तुम पढ़ लेना, मैं कौन कौन से एरियाज कवर्ड होंगे जो आपका मेन आंसर है, ये मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ, राइट। तो मीनिंग आई वुड लाइक टू बिलीव कि तुम्हें पता है कि कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट है क्या, राइट। तो सबसे पहले जब भी कोई भी क्वेश्चन आएगा, चाहे वो प्रॉपर्टी ऑडिट का हो या किसी भी टाइप की ऑडिट का, सबसे पहले तुम मीनिंग लिखोगे और उसके बाद यू विल स्टार्ट राइटिंग योर मैटर्स। जैसे कि ऊपर भी अगर फैक्टर्स की बात करें तो सबसे पहले तुम यहाँ पे परफॉर्मेंस ऑडिट का मीनिंग लिख सकते हो, उसके बाद तुम इन फैक्टर्स को यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो, राइट। तो वो ज़्यादा बेटर प्रेजेंटेशन होगी। तो यहाँ पे कहता है कि किन एरियाज को ऑडिटर को कंसिडर करना चाहिए जब वो कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट को कंडक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे भी तुम्हें पॉइंट्स को याद करना पड़ेगा, ये वाले जो ब्रॉड एरियाज इसने यहाँ पे लिखे हुए हैं। कहता है ऑल्दो तो ये एंटरप्राइज टू एंटरप्राइज वेरी करेगा, बट ब्रॉडली इन एरियाज को ऑडिटर कंसिडर करता है जब वो आपकी ऑडिट को कंडक्ट कर रहा होता है। मतलब जब आपका ऑडिटर कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट को कंडक्ट कर रहा होता है तो इन एरियाज को कंसिडर करेगा। तो इनको याद करना भी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो इनको भी हम कैसे याद करेंगे, इसको आप कैसे याद करोगे, आप काम क्या कर रहे हो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर, आप बना रहे हो एक प्रोजेक्ट, ठीक है, आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो उस प्रोजेक्ट की आपको ऑडिट करनी है, राइट। तो आप ना स्टेप बना लो यहाँ पे, स्टेप मतलब क्या, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 एंड स्टेप नंबर 4। आपको इन पॉइंट्स को 4 स्टेप में बांटना पड़ेगा। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आप जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाते हो तो उसके अंदर क्या करते हो, प्रोजेक्ट की फॉर्मुलेशन करते हो, राइट, R&D के ऊपर खर्चा करते हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड प्लानिंग करते हो। समझ में आया? तो पहले तीन पॉइंट क्या है, सबसे पहले प्रोजेक्ट की फॉर्मुलेशन करोगे, R&D के ऊपर एक्सपेंडिचर करोगे एंड प्लानिंग। तो ऑडिटर भी जब अपने ऑडिट कर रहा होगा, वो कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट को कवर करेगा, कंडक्ट करेगा, तो किन एरियाज को कंसिडर करेगा, सबसे पहले क्या आया स्टेप नंबर 1 के अंदर, प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन। तो यहां पे आप लिख के रखो, प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन के सामने आपका आएगा पॉइंट नंबर 1। ये क्या आपके जो प्रोजेक्ट के, प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन के सिस्टम है एंड उनकी एग्जीक्यूशन है, क्या वो साउंड है। देखो कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट का फोकस क्या होता है, इसका फोकस होता है इवेल्युएट करना, एसेस करना एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द पब्लिक एंटरप्राइजेस। जो भी आप प्रोजेक्ट आप बना रहे हो, राइट, जिस भी प्रोजेक्ट के आप ऑडिट कर रहे हो, उसकी एफिशिएंसी को, उसकी इफेक्टिवनेस को आप चेक करना चाहते हो। और ये आप कैसे चेक करते हो, अगेंस्ट द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड। मतलब कि मैंने कॉस्ट सोची थी कि 200 करोड़ आएगी, एक्चुअल में कॉस्ट 200 करोड़ है, 200 करोड़ से ज़्यादा जा रही है। क्योंकि अगर 200 करोड़ से ज़्यादा जा रही है तो फिर इसका मतलब जो मेरी एफिशिएंसी है वो एफिशिएंसी नहीं है, अच्छी एफिशिएंसी नहीं है, इकोनॉमी मेरी खराब है, राइट। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव मतलब क्या यार, मैंने सोचा था कि मैं इतना ही टाइम में अपने ऑब्जेक्टिव, अपने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लूंगा, या मेरा जो ऑब्जेक्टिव था इस प्रोजेक्ट को शुरू करने का, वो क्या ये प्रोजेक्ट उसको मीट कर पा रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो मतलब मेरा प्रोजेक्ट इफेक्टिव नहीं है, आप समझ लो। तो जब आप कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट करते हो तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव है एसेस करना, इवेल्युएट करना एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ दैट प्रोजेक्ट, राइट, एंड
आपका ऑडिटर कैसे करता है इसकी इवेल्युएशन? बाय मेकिंग अ रेफरेंस टू द स्टैंडर्ड, कि भाई मेरा स्टैंडर्ड क्या था, मेरी स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या थी, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था, मेरा क्राइटेरिया क्या है जिसके अगेंस्ट मुझे इस प्रोजेक्ट की इवेल्युएशन करनी है, इस सब्जेक्ट मैटर की इवेल्युएशन करनी है। समझ में आ रहा है? तो यहां पे जब तुम इस प्रोजेक्ट की ऑडिट करोगे, इसकी कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट करोगे, तुम्हारा फोकस क्या होगा? एफिशिएंसी तुम्हारा फोकस होगा, राइट? तुम्हारा फोकस क्या होगा यहां पे? इफेक्टिवनेस तुम्हारा फोकस होगा। तो एफिशिएंसी मतलब कि भी तुम कम कॉस्ट में तुम अपना काम कर रहे हो, जितनी कॉस्ट तुमने सोची थी उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा काम हो रहा है। तो तुम्हें देखना पड़ेगा ना सबसे पहले स्टेप नंबर वन के अंदर कि क्या इस प्रोजेक्ट के जो प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन प्रैक्टिसेस हैं, जो सिस्टम्स हैं और जो उनके एग्जीक्यूशन के सिस्टम है, क्या वो साउंड है? क्या उनके अंदर कोई इनएडुकेसीज है? आर देर एनी इनएडुकेसीज? तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रही हूँ? यहाँ पे तुमने कोई प्रोजेक्ट शुरू किया है, वहाँ पे कॉस्ट ओवररन हो रहे हैं, वो टाइम पे उस प्रोजेक्ट की कंप्लीशन नहीं हो पा रही, कमेंसमेंट नहीं हो पा रही है, तो मतलब आप उसकी इवेल्युएशन कर रहे हो, उस प्रोजेक्ट की आप ऑडिट कर रहे हो कि वो एफिशिएंट है, वो इफेक्टिव है या नहीं, इसलिए तुम कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट कर रहे हो। तो सबसे पहले स्टेप में तुमने तीन चीजें देखनी है, प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन, दूसरा आएगा R&D और तीसरा आएगा प्लानिंग। सबसे पहले आपने क्या देखा? आर द सिस्टम ऑफ प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन एंड एग्जीक्यूशन साउंड, या उनके अंदर कोई डेफिशिएंसीज है? दूसरा मैंने क्या बोला? R&D। तो आप स्टेप नंबर वन देखो, R&D का कहां पे लिखा हुआ, ये वाला, क्या इस एंटरप्राइज के पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स हैं या नहीं है? डज दिस एंटरप्राइज हैव रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स? ठीक है, फिर हमने क्या बोला? प्लानिंग। तो आप देखो प्लानिंग कहां पे लिखा हुआ है, ये रहा आपका प्लानिंग। प्लानिंग, एक सेकेंड, व्हेयर इज प्लानिंग? हाँ, ये रहा प्लानिंग। इज देयर एनी पुअर और इनसफिशिएंट और इनएफिशिएंट प्रोजेक्ट प्लानिंग? क्योंकि देखो अगर तुम्हारी कॉस्ट ओवररन है तो इसका मतलब हो सकता है कि जो तुमने प्लानिंग करी थी वो प्लानिंग खराब प्लानिंग थी, पुअर प्लानिंग थी, या इनसफिशिएंट प्लानिंग थी, या इनएफिशिएंट प्लानिंग थी। सो इज देयर एनी पुअर और इनसफिशिएंट इनएफिशिएंट प्लानिंग, राइट? तो आप इन तीन चीजों को कंसिडर करोगे, इसको स्टेप नंबर वन में डालो, प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन, R&D एंड तीसरा आ गया आपका प्रोजेक्ट प्लानिंग। ठीक है, तो आपने एक बार प्लानिंग कर ली, स्टेप नंबर टू में तुम क्या करोगे? तुम्हें सामान खरीदना, यू हैव टू परचेज रॉ मटेरियल। अब यहां पे रॉ मटेरियल वाले पॉइंट्स देखो, स्टेप नंबर टू कहां पे लिखा हुआ है? आर द परचेज पॉलिसीज ऑफ योर एंटरप्राइजेस एडुकेट? अगर जिस वे से तुम सामान खरीद रहे हो, जो तुम्हारी परचेज रिलेटेड पॉलिसीज हैं, क्या वो एडुकेट है? अगर वो एडुकेट नहीं है तो तुम्हारी कॉस्ट बढ़ेगी, है ना? अगर तुम्हें पता है कि जिस वेंडर से तुम सामान ले रहे हो, सेम क्वालिटी का सामान किसी और वेंडर से मिल सकता है कम प्राइस में, लेकिन तुम्हारी परचेज पॉलिसीज ऐसी हैं जो किसी और वेंडर से सामान लेना अलाउ नहीं करते हैं, तो क्या तुम्हारी परचेज पॉलिसीज एडुकेट है या नहीं? इससे भी तुम्हारा प्रोजेक्ट अफेक्ट होगा। ठीक है, तो यहां पे स्टेप नंबर टू में क्या आया आपका? रॉ मटेरियल, राइट? तो एक बार आपने प्रोजेक्ट को फॉर्मुलेट कर लिया, आपने ये इवेल्युएट कर लिया कि एंटरप्राइज के पास क्या R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट का प्रोग्राम है, आपने ये इवेल्युएट कर लिया कि क्या ये जो आपके प्रोजेक्ट की प्लानिंग हुई है वो पुअर प्लानिंग है, इनएफिशिएंट प्लानिंग है, इनसफिशिएंट प्लानिंग है, उसके बाद आप क्या करोगे? यू विल परचेज दी रॉ मटेरियल। ठीक है, तो ये जो ब्लू में, ये जो यहाँ पे, हाँ ये जो ब्लू में था, ये भी ब्लू में था आई थिंक, ये क्या है आपका कि क्या परचेज की पॉलिसी एडुकेट है? इसके साथ साथ इसके ऊपर वाला पॉइंट भी स्टेप नंबर टू में ही आएगा, क्या आर द कॉस्ट कंट्रोल मेजर्स एडुकेट? मतलब कि मैंने क्या बोला कि अगर तुम गलत वेंडर से सामान खरीदोगे, तुम्हें पता है कि अगर सेम क्वालिटी का सामान किसी और वेंडर से आप बाय कर सकते हो चीपर प्राइस में, तो यहां से क्या इफेक्ट हो रहा है कि आपके जो कॉस्ट को कंट्रोल करने के मेजर्स हैं क्या वो एडुकेट है या नहीं, या उनके अंदर इनएफिशिएंसीज है, क्या आप वेस्टेज कर रहे हो रॉ मटेरियल के अंदर, उनकी कंजम्पशन के अंदर ETC। तो इसको भी आप रॉ मटेरियल से रिलेट करके ध्यान में रख सकते हो कि अगर आपकी परचेज पॉलिसीज इनएडुकेट है तो इसका मतलब आपके कॉस्ट कंट्रोल के मेजर्स भी एडुकेट नहीं है, एंड देर मे बी इनएफिशिएंसीज राइट इन योर सिस्टम, देर मे बी वेस्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, देर मे बी वेस्टेज इन कंजम्पशन ETC। तो ये आपका यहाँ पे स्टेप नंबर टू में आएगा। फिर स्टेप नंबर थ्री में क्या कि एग्जीक्यूशन आप करोगे आप प्रोजेक्ट की, जब आप एग्जीक्यूशन करोगे तो वहां पे रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा होगा, तो यहां पे आपको रिपेयर एंड मेंटेनेंस का पॉइंट ढूंढना है, दैट इज योर पॉइंट नंबर थ्री। एट, इफ द एंटरप्राइज, क्या एंटरप्राइज के पास एडुकेट सिस्टम है फॉर रिपेयर और मेंटेनेंस और नॉट?
एंड फिर आपके जो प्रोसीजर हैं इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के, क्या वो प्रोसीजर इफेक्टिव हैं, इकोनॉमिकल हैं, ये आ जाएंगे आपके स्टेप नंबर 3 के अंदर। फिर अल्टीमेटली जब आपने एग्जीक्यूट कर लिया तो आपके आउटपुट आपको मिलेंगे, आपको आपको रिटर्न मिलेंगे। तो रिटर्न में क्या चीज़ें आएंगी, सबसे पहले क्या आपकी जो प्लैंड प्रोडक्शन थी या आपकी जो ऑपरेशनल आउटपुट थी, क्या आपका प्रोजेक्ट उसको अचीव कर पाया, या आपकी कोई अंडर यूटिलाइजेशन है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की, अगर ऐसा है तो क्या रीजन है, व्हाट हैज कॉज्ड इट, राइट। हमने क्या बोला, आपकी आउटपुट एंड रिटर्न, तो क्या आपका जो प्लैंड रिटर्न था इस प्रोजेक्ट से, वेदर इट हैज बीन अचीव्ड और नॉट। हाउ डज द ओवरऑल कैपिटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, मतलब आपने जो बजटेड कॉस्ट थी आपकी और जो एक्चुअल कॉस्ट थी, उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। हाउ डज द ओवरऑल कैपिटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट एज कंपेयर टू द अप्रूव्ड प्लान कॉस्ट, क्या इन दोनों के बीच में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, हैज देयर बीन एनी सब्सटेंशियल इंक्रीज, मतलब एक्चुअल कॉस्ट क्या आपकी ज्यादा है, अगर अगर ऐसा है तो क्या यहाँ पे आपको ऐसे एविडेंसेस दिखाई दे रहे हैं कि एक्चुअल कॉस्ट इस वजह से ज्यादा हुई है क्योंकि अननेसेसरी एक्सपेंडिचर हैज बीन इनकर्ड। तो ऐसे तुम इनको डिवाइड कर सकते हो, अदरवाइज इनको याद करना इतना इजी नहीं होगा, भूल ही जाओगे। तो ये पॉइंट और ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। चार स्टेप में आपने डिवाइड करा, दोबारा से बोलो, एक बार मुश्किल लगती कोई चीज पहली बार, उसके बाद नहीं लगेगी। चार स्टेप में आपने डिवाइड किया, पहले स्टेप में 3 चीजें, प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन, R&D और प्लानिंग। सबसे पहले आपने क्वेश्चन क्या पूछा कि आपकी जो ये आपका ये जो प्रोजेक्ट है इसकी फॉर्मुलेशन एंड एग्जीक्यूशन क्या साउंड है या उसके अंदर कोई इनएडिकेसीज है। दूसरा आपने क्या बात करा कि क्या इस एंटरप्राइजेस के पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट के प्रोग्राम है। तीसरा आपने क्या क्वेश्चन किया, प्लानिंग का, कि क्या प्रोजेक्ट की प्लानिंग पुअर है, क्या प्रोजेक्ट की प्लानिंग इनसफिशिएंट है, क्या प्रोजेक्ट की प्लानिंग इनएफिशिएंट है। पहला स्टेप खत्म। जब तुमने प्रॉपर अपनी प्लानिंग कर ली है, प्रोजेक्ट की फॉर्मुलेशन कर ली, उसके बाद तुम क्या करोगे, रॉ मटेरियल को बाय करोगे। तो क्या तुम्हारी परचेज पॉलिसीज इनएडुकेट है, अगर परचेज पॉलिसीज इनएडुकेट होंगी तो इसका मतलब कॉस्ट कंट्रोल के मेजर्स भी इनएडुकेट होंगे। सो क्या तुम्हारे कॉस्ट कंट्रोल के मेजर्स एडुकेट हैं या नहीं है, क्या कोई रॉ मटेरियल का तुम्हारे यहाँ पे वेस्टेज हो रही है, राइट। तो ये आपके यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। फिर आप स्टेप नंबर 3 में आओगे, आप फाइनली एग्जीक्यूशन करना शुरू करोगे काम की, तो क्या तुम्हारे एग्जीक्यूशन के प्रोसीजर एडुकेट है, राइट। फिर यहाँ पे रॉ मटेरियल रिपेयर एंड मेंटेनेंस का भी खर्चा होगा, राइट। तो यहाँ पे आएगा कि कहाँ गया रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा, यार था नहीं क्या, एरा डज है ही नहीं है, एक सेकेंड। हाँ, इफ दी क्या आपके एंटिटी के पास एडुकेट सिस्टम है फॉर द रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ये आपका थर्ड हो गया। फिर लास्ट में जब सब कुछ आपने एग्जीक्यूट कर लिया तो आप आउटपुट के ऊपर फोकस करोगे, अपने रिटर्न के ऊपर फोकस करोगे। तो यहाँ पे पॉइंट क्या आएंगे कि क्या जो आपका प्लैंड रिटर्न था आपने उसको अचीव किया, जो आपकी प्लैंड आउटपुट थी आपने उसको अचीव किया, या कोई अंडर यूटिलाइजेशन हुई है आपकी प्लांट की कैपेसिटी की, जो आपकी एक्चुअल कॉस्ट थी, जो आपकी बजटेड कॉस्ट थी और जो आपकी एक्चुअल में एक्सपेंडिचर हुआ, क्या उन दोनों के बीच में डिफरेंस है, क्या आपकी एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा है, वेदर देयर हैज बीन सब्सटेंशियल इंक्रीज इन द एक्चुअल कॉस्ट, अगर ऐसा है तो क्या ये इंक्रीज आपका आया है बिकॉज ऑफ द अननेसेसरी एक्सपेंडिचर। तो आप ऐसे इन पॉइंट्स को लिखोगे तब आपको आंसर याद होगा, अदरवाइज आप इसमें से भूल ही जाओगे पॉइंट्स, राइट। अगर आपने किसी और वे से इनको याद किया हुआ है तो आप किसी और वे को भी प्रेफर कर सकते हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा सही है। इनको ऐसा अगर तुम निमोनिक याद करोगे तो इन पॉइंट्स को तुम भूल जाओगे, क्योंकि तुम्हें साथ में ये वर्ड्स किस तरीके से बोले जा रहे हैं ये भी पता होना चाहिए, तभी तुम इसी फ्रेज को लिख पाओगे। नहीं तो एक एक वर्ड अगर तुमने याद रख भी लिया निमोनिक से तो भी तुम इनको लिख नहीं पाओगे पूरे वर्ड्स को, और ढंग से नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे तुम्हें, क्योंकि उसकी कोई सेंस ही नहीं बनेगी, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, मतलब सिंपल इन द सेंस कि डायरेक्टली आपको इसका आंसर मिल जाएगा पेज नंबर 7 और 8 के ऊपर। परफॉर्मेंस ऑडिट की बात कर रहा है, कहता है परफॉर्मेंस ऑडिट इज एन ऑब्जेक्टिव एंड सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ एविडेंस। सबसे पहले आपको डेफिनेशन बता रहा है ये कि परफॉर्मेंस ऑडिट होती क्या है। तो कहता है परफॉर्मेंस ऑडिट एक ऑब्जेक्टिव एंड सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन है, एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है ऑफ द evidence for the purpose of providing an independent assessment of the performance of government organization। कहता है कि जहां पे assessment की जाती है किसकी, किसी government organization की performance की, किसी government के program की performance की, उसकी activity की, function की, क्यों, ताकि in order to provide information to improve public accountability, ताकि public accountability को improve किया जा सके, and decision making facilitate हो सके, and facilitate the decision making by the parties with the responsibility to oversee or initiate corrective actions। Normal अगर तुम कोई भी audit करते हो उसका objective भी तो यही होता है क्या, कि जो आपकी responsible party है, अगर मैं normal audit की बात करूं तो responsible party कौन है,
आपकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को ओवरसी करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? TCWG की। तो जब ऑडिटर अपनी रिपोर्ट बनाते हैं तो वहां पे वो अपनी रिपोर्ट के अंदर फाइंडिंग्स देके जाते हैं, तो आपकी जो रिस्पॉन्सिबल पार्टी है वो अपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस को जो ओवरसी करने की उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके ऊपर वो काम कर पाती है। तो कहते हैं कि परफॉर्मेंस ऑडिट एक सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन है। यस, इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन मतलब क्या? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है जहां पे इवेल्युएशन की जाती है परफॉर्मेंस ऑफ एनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट की किसी एक्टिविटी फंक्शन की, किसी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट की। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है कि पब्लिक अकाउंटेबिलिटी को फिक्स किया जा सके, क्योंकि गवर्नमेंट की जब बात आती है वहां पे पब्लिक का पैसा होता है, ताकि जो लोग जिन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है करेक्टिव एक्शंस लेने की इन प्रोजेक्ट के अंदर अगर कुछ भी गलत हो रहा है, जो आपकी अथॉरिटी है जिनको करेक्टिव एक्शंस लेना है वो अपने करेक्टिव एक्शंस ले सके। क्योंकि हमने इस चीज को अंडरस्टैंड भी किया था कि गवर्नमेंट ऑडिट के केस में एक स्टेप एडिशनल जाता है कि यहाँ पे ऑडिटर अपनी रिकमेंडेशन भी देके जाता है। ठीक है, तो अब आपको बताना क्या है? आपको बताना है, डिस्कस करना है, ये आपका क्वेश्चन है, इश्यूज विच आर एड्रेस्ड बाय द परफॉर्मेंस ऑडिट। तीन इशू आपके परफॉर्मेंस ऑडिट में एड्रेस्ड होते हैं, और ये आपके जो बुक है पेज नंबर 7 और 8 वहां पे यही कंसेप्ट का नाम है, व्हाट आर द इश्यूज विच आर एड्रेस्ड बाय द परफॉर्मेंस ऑडिट। तीन इशूज है, एक है आपकी इकोनॉमी, एक है आपकी एफिशिएंसी, और तीसरी है आपकी इफेक्टिवनेस। समझ में आ गया? तो ये आपको यहाँ पे बताना है कि ब्रीफली डिस्कस, ऑल्दो ब्रीफली डिस्कस करने को बोला पर यहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। यू हैव टू ब्रीफली डिस्कस द इश्यूज विच आर एड्रेस्ड बाय द परफॉर्मेंस ऑडिट विच इज कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइंस इशूड बाय द कैग। राइट, तो सबसे पहले इसने मीनिंग बताया परफॉर्मेंस ऑडिट का। मीनिंग कुछ नहीं है, क्वेश्चन के अंदर जो डेफिनेशन दी हुई उसको इसने यहाँ पे चिपका हुआ है। तुम भी यही चिप के आ जाओगे, अगर डेफिनेशन है तो तुम्हें ऊपर से उठा के नीचे लिखनी है। फिर तुमने बताना है कि भाई एलिमेंट क्या होते हैं परफॉर्मेंस ऑडिट के। तीन एलिमेंट होते हैं, मतलब तीन एरियाज के ऊपर परफॉर्मेंस ऑडिट का फोकस होता है। एक होता है इकोनॉमी, दूसरा होता है आपकी एफिशिएंसी, और तीसरा होता है इफेक्टिवनेस। इकोनॉमी का मतलब क्या होता है कि जो भी तुम प्रोजेक्ट, फॉर एग्जाम्पल मान के चलते कि हम किसी प्रोजेक्ट की ऑडिट कर रहे हैं, ठीक है, तो जब प्रोजेक्ट क्या परफॉर्मेंस ऑडिट कर रहे हो, उसकी आप इवैल्यूएशन कर रहे हो, तो इकोनॉमी का मतलब हुआ आप अपने रिसोर्सेज की कॉस्ट को मिनिमाइज करोगे। तो कहता है इकोनॉमी स्टैंड्स फॉर मिनिमाइजिंग द कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज जिसको आप यूज करते हो किसी एक्टिविटी के लिए, मतलब हमारे एग्जाम्पल में किसी प्रोजेक्ट के लिए, हैविंग रिगार्ड टू द एप्रोप्रिएट क्वांटिटी क्वालिटी एंड एट द बेस्ट प्राइस। मतलब वही एग्जाम्पल लो ना कि जब आपको पता है कि किसी और वेंडर से सेम क्वालिटी का सामान मिल सकता है तो फिर आप वहां से क्यों नहीं ले रहे। तो जब ऑडिटर परफॉर्मेंस ऑडिट कंडक्ट करता है किसी भी प्रोजेक्ट की, किसी एक्टिविटी की, किसी भी फंक्शन की, तो वो इकोनॉमी के ऊपर फोकस करता है। वो देखता है कि वो इवेल्युएट करता है कि क्या जहां से आपकी एंटिटी रॉ मटेरियल को परचेज कर रही है, उन रिसोर्सेज को वो, जिनको वो यूज कर रही है अपनी एक्टिविटी के लिए, क्या उन रिसोर्सेज की कॉस्ट को कहीं और से मिनिमाइज किया जा सकता है। तो कहता है इकोनॉमी स्टैंड्स फॉर मिनिमाइजिंग द कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज विच आर यूज्ड फॉर एक्टिविटी। लेकिन आप कंसिडर करोगे ऑब्वियसली क्वांटिटी को, क्वालिटी को एंड बेस्ट प्राइस विच इज अवेलेबल। इवेल्युएटिंग इकोनॉमी का मतलब क्या हुआ कि जब आपका ये ऑडिटर इकोनॉमी को इवेल्युएट कर रहा है, इसका मतलब वो अपना ओपिनियन फॉर्म कर रहा है कि आपके इस प्रोजेक्ट के लिए जिन रिसोर्सेज को यूज किया जा रहा है क्या आप उनको इकोनॉमिकली एक्वायर कर रहे हो, है ना, एंड ड्यू टाइम में एक्वायर कर रहे हो, क्या आप उनको अप्रोप्रिएट क्वांटिटी में एक्वायर कर रहे हो। मान लो डैम का प्रोजेक्ट है, सामान चाहिए आपको, जितना आपको रेता चाहिए उतना आप रेता नहीं मंगवा रहे, जरूरत से ज्यादा आपका सामान मंगवा रहे हो, वो वहां पे खराब हो रहा है, तो क्या ये क्योंकि आपका पैसा नहीं लगा ना, पैसा गवर्नमेंट का लगा है, तो आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो कहते हैं कि इकोनॉमी की जब आप ऑडिट कर रहे हो, मतलब इकोनॉमी आप ऑडिट कर रहे हो जो परफॉर्मेंस ऑडिट के अंदर, जब आप इकोनॉमी के एलिमेंट को एग्जामिन कर रहे हो, आपका फोकस क्या है कि आप ओपिनियन बना रहे हो वेदर दिस रिसोर्सेज आर एक्वायर्ड इकोनॉमिकली एंड ड्यू टाइम, क्या आप इनको अप्रोप्रिएट क्वालिटी के मटेरियल को एक्वायर कर रहे हो, अप्रोप्रिएट क्वांटिटी में एक्वायर कर रहे हो, बेस्ट प्राइस पे आप इसको एक्वायर कर रहे हो। दूसरा एलिमेंट क्या होता है? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब होता है इनपुट आउटपुट रेशियो, मतलब आपका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि कम से कम इनपुट में आउटपुट आपको ज्यादा मिले। तो कहते हैं इट इज सेट टू बी अचीव्ड व्हेन द आउटपुट इज मैक्सिमाइज्ड एट द मिनिमम इनपुट, और इनपुट आप मिनिमाइज कर रहे हो फॉर द गिवन क्वांटिटी, मतलब भले ही आपके आउटपुट सेम है बट इनपुट आर बीइंग मिनिमाइज्ड एंड क्वालिटी ऑफ द आउटपुट इज ऑल्सो सेम। एग्जामिनिंग एफिशिएंसी में क्या क्या चीजें आती है, मतलब जब आपका ऑडिटर एफिशिएंसी की एग्जामिनेशन करता है, इस एलिमेंट को इवेल्युएट करता है, तो उसका फोकस किन चीजों पे होता है? सबसे पहले कहता है कि आपका ये जो एंटिटी है वो क्या प्रोक्योरमेंट प्रैक्टिसेस फॉलो कर रही है, क्या उसकी प्रोक्योरमेंट प्रैक्टिसेस साउंड प्रैक्टिसेस हैं या उसकी साउंड प्रैक्टिसेस नहीं है। राइट, आगे कहते हैं क्या आप अपने रिसोर्सेज को, चाहे वो तुम्हारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज है चाहे तुम्हारे ह्यूमन रिसोर्सेज है, क्या उनको प्रॉपरली तुम प्रोटेक्ट कर रहे हो, प्रॉपरली उनको मेंटेन कर रहे हो,
जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज है या अदर रिसोर्सेज जिसको तुम अपनी एक्टिविटी के लिए यूज कर रहे हो, प्रोजेक्ट के लिए यूज कर रहे हो, क्या उनको एफिशिएंटली यूज किया जा रहा है? मतलब तुमने वर्कर्स लगाए हुए 100, जरूरत है सिर्फ 80 की, 20 खाली बैठे हुए वो अपना लेबर लेके जा रहे हैं, तो उनकी पर्पज क्या है? आगे कहते हैं ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, वही इसने बोला कि कितने तुम्हें रिसोर्सेज की जरूरत है, कितने स्टाफ की तुम्हें जरूरत है, कितनी तुम्हें इक्विपमेंट की जरूरत है, कितनी फैसिलिटी की जरूरत है, विच आर यूज इन प्रोड्यूसिंग और डिलीवरिंग द एप्रोप्रिएट क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, एफिशियंट ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या हो सकते हैं, मतलब किस टाइप के तुम मशीन्स को यूज करो, किन प्रोसीजर को तुम यूज करो जिससे तुम्हारे वेस्टेज कम हो, अगर वेस्टेज कम होगी तो तुम्हारी आउटपुट ज्यादा होगी। फिर आगे कहते हैं सेम इनपुट पे आउटपुट ज्यादा होगी एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक सेक्टर प्रोग्राम्स आर मेट कॉस्ट इफेक्टिवली, तो अल्टीमेटली जो भी तुम्हारा प्रोजेक्ट है, जो भी एक्टिविटी है, उसके ऑब्जेक्टिव को तुम मीट कर सको कॉस्ट इफेक्टिवली, तो ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव होता है। ऑडिटर इन सारी चीजों को इवेल्युएट करता है जब वो एफिशिएंसी को देख रहा होता है। तीसरा क्या आया, इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस का मतलब है कि जिस पर्पज से तुमने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया, क्या ये प्रोजेक्ट उस पर्पज को मीट कर पा रहा है? तो कहते हैं इफेक्टिवनेस इज द मेजरमेंट ऑफ द एक्सटेंट टू विच ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड एंड रिलेशनशिप बिटवीन द इंटेंडेड इम्पैक्ट एंड एक्चुअल इम्पैक्ट ऑफ द एंटिटी। तो आपका जो इंटेंशन थी इस प्रोजेक्ट को शुरू करने की, आपकी जो इंटेंशन थी, जो इंटेंडेड इम्पैक्ट था, और ये प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद जो इसका एक्चुअल इम्पैक्ट आया, उनके बीच में रिश्ता क्या है? ऑडिटर किन किन चीजों को एग्जामिन करेगा जब वो इफेक्टिवनेस के इस एलिमेंट को इवेल्युएट करेगा? तो वो इवेल्युएट करेगा क्या कि वट आर वेदर दिस ऑब्जेक्टिव जो आपने सेट करे हैं अपने इस प्रोजेक्ट को लेकर, क्या ये प्रॉपर है, क्या ये कंसिस्टेंट है, सूटेबल है, रेलिवेंट है आपकी पॉलिसी से, क्या जो मींस आप प्रोवाइड कर रहे हो फॉर अचीविंग दीज ऑब्जेक्टिव वो प्रॉपर है, कंसिस्टेंट है, सूटेबल है, रेलिवेंट है फॉर द पॉलिसीज। ऑडिटर विल असेस वेदर द ऑब्जेक्टिव्स एंड मींस प्रोवाइडेड टू अचीव दोज ऑब्जेक्टिव्स, चाहे वो आपका न्यू प्रोजेक्ट है या कोई ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, वो प्रॉपर है, वो कंसिस्टेंट है, सूटेबल है, रेलिवेंट है टू द पॉलिसी। ऑडिटर डिटरमाइन करेगा कि किस एक्सटेंट तक आपका ये प्रोग्राम अपने डिजायर्ड लेवल ऑफ रिजल्ट को अचीव कर पाया। ऑडिटर असेस करेगा इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रोग्राम। अब ये प्रोग्राम में एक से ज्यादा कंपोनेंट भी हो सकते हैं, तो कंप्लीट प्रोग्राम की इफेक्टिवनेस को भी वो इवेल्युएट करेगा एंड इंडिविजुअल प्रोग्राम के कंपोनेंट को भी वो इवेल्युएट करेगा। ऑडिटर डिटरमाइन करेगा कि क्या आपके मैनेजमेंट ने आपके प्रोग्राम को कैरी करने के लिए ऑल्टरनेटिव मींस को कंसिडर किया, कहता कि आप सेम रिजल्ट को अगर चीपर कॉस्ट पे आप अचीव कर सकते थे, किसी और ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर को फॉलो करके आप अचीव कर सकते थे, तो क्या मैनेजमेंट ने उनको कंसिडर किया? तो कहता डिटरमाइन करेगा ऑडिटर वेदर मैनेजमेंट हैज कंसिडर ऑल्टरनेटिव फॉर कैरिंग आउट द प्रोडक्ट फॉर कैरिंग आउट द प्रोजेक्ट दैट माइट हैव यील्ड द डिजायर्ड रिजल्ट मोर इफेक्टिवली एट अ लोअर कॉस्ट। ऑडिटर एसेस करेगा कि मैनेजमेंट के कंट्रोल सिस्टम्स कितने एडुकेट हैं फॉर मेजरिंग द प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस, फॉर मॉनिटरिंग द प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस, प्रोजेक्ट इफेक्टिवनेस एंड फॉर रिपोर्टिंग द प्रोजेक्ट इफेक्टिवनेस। तो ये आपका यहाँ पे आंसर बनेगा। अब मेरी बात सुनो, इतना बड़ा तो ब्रीफ जब उसने बोला तो इतने सारे पॉइंट्स लिखने की जरूरत नहीं है, बट इन पे क्या हो सकता है कि इंडिविजुअली भी क्वेश्चन आ सकता है कि ऑडिटर जब एफिशिएंसी को चेक कर रहा है ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑडिट तो किन एस्पेक्ट को एग्जामिन करेगा, ऑडिटर जब इफेक्टिवनेस को चेक कर रहा है तो वो किन एस्पेक्ट को एग्जामिन करेगा। मैंने दोबारा से आपको समझा दिया है ये, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे बच्चों को ये जो टॉपिक है वो मुश्किल लगता होगा, ऑल्दो एक इससे क्लास का टाइम आई थिंक काफी बड़ा हो गया यार। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इससे सिंपल क्वेश्चन अगर ये एग्जाम में आता है, इससे सिंपल क्वेश्चन कोई एग्जाम में आ नहीं सकता। ये क्वेश्चन है आपका सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन नंबर 45 ऑफ कंपनीज एक्ट के ऊपर। अगर यहाँ पे जो डेफिनेशन है गवर्नमेंट कंपनी की, आपको वो डेफिनेशन आती है तो आप इजीली इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। क्वेश्चन कहते हैं दैट बीटी लिमिटेड इज अ कंपनी विच इज होली ओन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की इस कंपनी के अंदर होल्डिंग कितने की है, 100% की होल्डिंग है। Was disinvested during the previous year. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की 100% की होल्डिंग है, इसका मतलब ये क्या हुई, एक गवर्नमेंट कंपनी हुई। लेकिन अभी क्या हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी इस होल्डिंग को कम कर दिया है और उसने 45% जो शेयर्स हैं वो पब्लिक को इशू कर दिए। तो कहते हैं रिजल्टिंग इन 45% ऑफ द शेयर्स नाउ बींग हेल्ड बाय पब्लिक, तो इसका मतलब अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितनी होल्डिंग बची, 55% की। क्वेश्चन आगे कहते हैं The shares were also listed on BSE. ये पब्लिक को अपनी आपकी कंपनी ने जो शेयर इशू करे हैं इनकी लिस्टिंग हुई है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे, एंड क्योंकि अब ये शेयर्स लिस्टेड है तो जो भी लिस्टिंग की रिक्वायरमेंट किसी भी लिस्टेड कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होती है, सच एज
कि इनको अपने क्वार्टरली रिजल्ट को पब्लिश करना पड़ता है, इनको इन्फॉर्मेशन सबमिट करनी पड़ती है टाइम टू टाइम टू स्टॉक एक्सचेंज ETC, ये सारी रिक्वायरमेंट्स आपकी इस कंपनी के ऊपर भी एप्लीकेबल हो रही है। ठीक है, तो अभी तक तो कोई दिक्कत मुझे दिखाई नहीं दे रही। क्वेश्चन आगे कहता है, गौतम ने कुछ बोला। गौतम है कौन? ये फाइनेंस मैनेजर है इस कंपनी का, और इसने क्या बोला? इसका ओपिनियन है कि देखो नाउ तो कंपनी सब्जेक्ट टू स्ट्रिंजेंट कंट्रोल बाय BSE, कि अब तो ये कंपनी लिस्ट हो चुकी है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, तो वहां के जो लॉज रेगुलेशन है वो बहुत ही स्ट्रिंजेंट है, बहुत ही टाइट है, राइट। एंड क्योंकि अब इसके ऊपर BSE के लॉज एंड रेगुलेशन लग रहे हैं, देयरफॉर ऑडिटिंग रिक्वायरमेंट ऑफ अ लिमिटेड कंपनी इन अ प्राइवेट सेक्टर अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 वुड बी एप्लीकेबल टू द कंपनी एंड CAG will not have any role to play, आपको कमेंट करना है। तो ये गौतम कहता है, गौतम CA नहीं है ये, गौतम जो फाइनेंस मैनेजर है, कि अब ये कंपनी लिस्टेड है, इसके ऊपर स्टॉक एक्सचेंज के स्ट्रिंजेंट लॉज एंड रेगुलेशन लग रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है, ऐसा गौतम कह रहा है, कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ये मानना है कि इस कंपनी की जो ऑडिट होनी चाहिए वो एक ऐसी ऑडिट होनी चाहिए जैसे किसी प्राइवेट कंपनी की ऑडिट होती है अंडर कंपनीज एक्ट। अब यहाँ पे CAG का कोई रोल नहीं यहाँ पे प्ले होगा, आपको क्या लगता है, क्या ये गौतम सही कह रहा है? आंसर है नो। गौतम सही क्यों नहीं कह रहा? क्योंकि गौतम को डेफिनेशन नहीं पता गवर्नमेंट कंपनी की। डेफिनेशन क्या कहती है गवर्नमेंट कंपनी की? यही आपका लिखा हुआ है सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन नंबर 45 के अंदर। क्या? कि गवर्नमेंट कंपनी मतलब एक ऐसी कंपनी जिसके अंदर नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, मतलब एटलीस्ट 51% होल्डिंग किसकी है? या तो सेंट्रल गवर्नमेंट की है खुद से, या किसी एक स्टेट गवर्नमेंट की है खुद से, या सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की मिला के है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट की होल्डिंग है बाकी स्टेट गवर्नमेंट के साथ, या फिर आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस एक से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट्स की होल्डिंग है, ऐसी कंपनी को आप बोलोगे गवर्नमेंट कंपनी। और जो इस गवर्नमेंट कंपनी की सबसे कंपनी होगी उसको भी क्या बोला जाएगा? गवर्नमेंट कंपनी। तो यहां पे आपकी जो पहले 100% सेंट्रल गवर्नमेंट जिस कंपनी को ओन कर रही थी, अभी डिसइन्वेस्टमेंट हो गई, उसमें से 100% शेयर्स में से 45% होल्डिंग पब्लिक को बेच दी, लेकिन अभी भी 55% शेयर्स तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो ये क्या हुई आपकी गवर्नमेंट कंपनी? और अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो ऑडिटर को अपॉइंट कौन करेगा? CAG। डायरेक्शन कौन देगा? CAG। तो CAG का रोल तो यहाँ पे है, तो गौतम बिल्कुल गलत कह रहे हैं, यही आपको लिखना है। सबसे पहले डेफिनेशन लिखी है कि एज पर सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन नंबर 45 ऑफ द कंपनीज एक्ट, गवर्नमेंट कंपनी को आप कैसे डिफाइंड करोगे? एज अ कंपनी इन विच, जिसके अंदर नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल कौन होल्ड कर रहा है? या तो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद से, या कोई स्टेट गवर्नमेंट, या स्टेट गवर्नमेंट्स, या पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्टली बाय वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स, एंड इसके अंदर वो कंपनी भी इंक्लूड होती है जो गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडियरी कंपनी है, जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई। आगे कहते हैं, अगर ये गवर्नमेंट कंपनी है तो इसका ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा? इसका ऑडिटर अपॉइंट करेगा CAG। CAG ही इसको डायरेक्शन देगा, हु गिव्स ऑडिटर डायरेक्शन कि तुझे किस मैनर में ऑडिट को कंडक्ट करना है। तो यहां पे इन दिस गिवन केस 55% ऑफ शेयर्स ऑफ दिस कंपनी कौन होल्ड कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो देयरफॉर ये क्या हुई? गवर्नमेंट कंपनी हुई एज पर द मीनिंग ऑफ सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन नंबर 45। तो कंक्लूजन क्या हुई? गौतम गलत कह रहा है, तो गौतम ओपिनियन इज नॉट करेक्ट। ये कंपनी का नाम चेंज कर लो ऊपर जो है। तो ये कंपनी क्या हुई अभी? ये कंपनी हुई गवर्नमेंट कंपनी। आपकी ये कंपनी के शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है या नहीं, यहां पे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर ये लिस्टेड कंपनी तो इसके ऊपर एप्लीकेबल होंगी लिस्टिंग की रिक्वायरमेंट। तो ये ऑल टुगेदर एक डिफरेंट स्टैच्यू की बात कर रहा है। तो कहता है लिस्टिंग ऑफ द कंपनीज शेयर ऑन स्टॉक एक्सचेंज इज इरेलीवेंट फॉर दिस पर्पस, कि यहां पे इसकी ऑडिट कौन करेगा, ये इसका लिस्टिंग से कोई भी लेना देना नहीं है, राइट। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6, अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है यू हैव बीन अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ AKY लिमिटेड, आपको क्या अपॉइंट किया गया है? ऑडिटर अपॉइंट किया गया है AKY लिमिटेड का, एंड आफ्टर हैविंग डिटरमाइंड द ऑडिट ऑब्जेक्टिव, आपने डिटरमाइन कर लिए कि आपकी ऑडिट करने के ऑब्जेक्टिव क्या है, यू हैव बीन रिक्वेस्टेड, अब आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप अपने ऑडिट क्राइटेरिया को ड्राफ्ट करो। आपको ये बताना है, क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि किन सोर्सेज को आप कंसिडर करोगे, यूज करोगे जब आप अपने ऑडिट क्राइटेरिया को इवेल्युएट करोगे। देखो इस क्वेश्चन के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि यहां पे कहीं से पता नहीं लग रहा है कि परफॉर्मेंस ऑडिट की बात हो रही है। समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन क्राइटेरिया वाला आपको मिल जाएगा आपकी बुक के पेज नंबर 9 पे, मैंने खोल के रखा हुआ है ये रहा, और ये पेज नंबर 9 पे आप जब प्लानिंग
का कंसेप्ट पढ़ते हो कि ऑडिटर जब अपनी प्लानिंग करेगा परफॉर्मेंस ऑडिट की तो वो किन किन चीजों को कंसिडर करेगा, तो वो प्लानिंग के टाइम पे डिसाइड करता है ऑडिट क्राइटेरिया को. ऑडिट क्राइटेरिया होता क्या है, बेसिकली स्टैंडर्ड होते हैं जिसके अगेंस्ट ऑडिटर इवेल्युएशन करते हैं उस प्रोजेक्ट की जिसकी भी वो ऑडिट कर रहा है. ठीक है, तो ऑडिट क्राइटेरिया को डिटरमाइन करता है ऑडिटर प्लानिंग के टाइम पे, जब वो प्लानिंग कर रहा है अपनी परफॉर्मेंस ऑडिट की. क्वेश्चन आपसे पूछता है कि ऑडिटर जब ऑडिट क्राइटेरिया को डिटरमाइन करेगा तो वो किन सोर्सेज को यूज करेगा अपने क्राइटेरिया को डिसाइड करने का के लिए, मतलब स्टैंडर्ड किस स्टैंडर्ड के अगेंस्ट उसको प्रोजेक्ट की इवेल्युएशन करनी है, राइट. इसको बोलोगे तुम क्राइटेरिया. इस क्राइटेरिया को डिसाइड करने के लिए ऑडिटर किन सोर्सेज को यूज कर सकता है, ये तुम्हारा क्वेश्चन है. क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम ये कि यहां से कहीं पे पता नहीं लग पा रहा है क्या कि यहां पे जो ऑडिटर है वो ऑडिट कर रहा है वो कौन सी ऑडिट है, मतलब कहीं से आप पता नहीं लगा पा रहे हो कि परफॉर्मेंस ऑडिट है या वो परफॉर्मेंस ऑडिट नहीं है. तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा तो वहां पे लिखा होना चाहिए कि परफॉर्मेंस ऑडिट है. यहां से तो तुम ये भी नहीं फिगर आउट कर पा रहे हो कि गवर्नमेंट ऑडिट की बात हो रही है, समझ में आ रहा है. क्योंकि अगर तुम नॉर्मल ऑडिट की बात करोगे तो नॉर्मल ऑडिट के अंदर भी सब्जेक्ट मैटर की इवेल्युएशन क्राइटेरिया के अगेंस्ट ही होती है, समझ में आ रहा है. तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी एम्बिग्यूटी है. बट एनीवेज आपके अगर आप बुक में देखोगे तो एक ही जगह पे ऐसा क्वेश्चन है क्राइटेरिया के लिए किन सोर्सेज को ऑडिटर यूज करेगा, तो अगर नहीं भी लिखा हुआ आता है तो आपको आंसर यही लिखना है. ठीक है, सो सबसे पहले इसने पहले दो पॉइंट के अंदर क्या बताया, मीनिंग बताया क्राइटेरिया का कि ऑडिट क्राइटेरिया क्या है. ये वो स्टैंडर्ड है जिनको यूज किया जाता है ये डिटरमाइन करने के लिए, क्योंकि परफॉर्मेंस ऑडिट की बात हो रही है तो ये डिटरमाइन करने के लिए कि जिस भी प्रोग्राम की आप ऑडिट कर रहे हो क्या वो प्रोग्राम एक्सपेक्टेशन को मीट कर रहा है या उसको सुपरसीड कर रहा है. तो कहते हैं इट इज यूज टू डिटरमाइन वेदर अ प्रोग्राम मीट्स और एक्सीड्स द एक्सपेक्टेशन. आगे कहते हैं ऑडिट क्राइटेरिया आर रीजनेबल एंड अटेनेबल स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस. आप जिस भी क्राइटेरिया को रखोगे जिसके अगेंस्ट तुम्हें प्रोजेक्ट की इवेल्युएशन करनी है वो स्टैंडर्ड क्या होने चाहिए, अटेनेबल होने चाहिए, रीजनेबल होने चाहिए अगेंस्ट विद इकोनॉमी एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रोग्राम कैन बी असेस्ड. मतलब परफॉर्मेंस ऑडिट के अंदर तुम तीनों चीजों को देखते हो, दैट इज इकोनॉमी एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, राइट. तो जिसके अगेंस्ट तुम अपने प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर सको उस बेंचमार्क को उस स्टैंडर्ड को तुम क्राइटेरिया कहते हो. क्वेश्चन क्या है कि क्राइटेरिया जब ऑडिटर डिसाइड करेगा तो किन सोर्सेज से वो इंफॉर्मेशन ले सकता है. तो कहता है ऑडिट क्राइटेरिया मे बी सॉट टू बी ऑब्टेन फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्सेज. कौन कौन सा, नंबर वन आपकी एंटिटी के प्रोसीजरल मैनुअल्स वो चेक कर सकता है, मतलब आपकी एंटिटी काम कैसे करती है उसके रिलेटेड जो प्रोसीजर मैनुअल है उनको वो चेक कर सकता है. यही से तुम्हें पॉइंट ध्यान में आना चाहिए, आपकी एंटिटी की पॉलिसीज क्या हैं, स्टैंडर्ड्स क्या हैं, डायरेक्टिव्स क्या हैं, गाइडलाइंस क्या है, उनको वो यूज कर सकता है. क्राइटेरिया जो कोई और एंटिटी यूज करिए सेम इंडस्ट्री के अंदर उसको वो यूज कर सकता है. सो क्राइटेरिया विच इज यूज बाय द सेम एंटिटी और अदर एंटिटीज इन द सिमिलर एक्टिविटी और सिमिलर प्रोग्राम, राइट. फिर कहते हैं वो किसी इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट का ओपिनियन ले सकता है, उसकी नो हाउ मांग सकता है, वो किसी न्यू और एस्टैब्लिश्ड साइंटिफिक नॉलेज को यूज कर सकता है, अदर रिलायबल इंफॉर्मेशन को यूज कर सकता है, वो किसी के रिसर्च पेपर को यूज कर सकता है. जनरल मैनेजमेंट एंड सब्जेक्ट मैटर लिटरेचर एंड रिसर्च पेपर कैन ऑल्सो बी यूज बाई हिम एंड इनके बेसिस पे वो अपने क्राइटेरिया को डिसाइड कर सकता है. देखो जब भी आप किसी प्रोजेक्ट की आप इवेल्युएशन कर रहे हो तो मान लेते हैं कि प्रोजेक्ट क्या है, प्रोजेक्ट है डैम को बनाना. आपको ये देखना है कि इस प्रोजेक्ट को बनाया गया, डैम को बनाया गया, तीन एस्पेक्ट पे आप इसको जज करोगे परफॉर्मेंस ऑडिट के अंदर, इकोनॉमी एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस, कि क्या इसको इकोनॉमिकली बनाया गया, इफेक्टिवली ये क्या अपने जो भी इसके ऑब्जेक्टिव थे उसको अचीव कर पाई है ना, और तीसरा क्या हुआ एफिशिएंसी. तो अब जब आप इन तीनों एस्पेक्ट को जज करोगे तो आपको एक सब्जेक्ट, आपको क्या चाहिए होगा, एक स्टैंडर्ड चाहिए होगा कि किस स्टैंडर्ड के बेसिस पे आप कहोगे कि ये इकोनॉमिकली किया गया है प्रोजेक्ट. इस स्टैंडर्ड को तुम क्राइटेरिया कहते हो. तो क्राइटेरिया क्या होगा, तुम क्या कर सकते हो कि अच्छा पहले भी एक डैम बनी थी, उस डैम पे सिमिलर टाइप की डैम थी, इतना खर्चा आया था, ठीक है, तो इस टाइप के डैम पे अब इतना खर्चा क्यों आ रहा है, तो ये इकोनॉमिकल नहीं है, समझ रहे हो. तो आपको उसको तुम कह रहे हो क्राइटेरिया. अब इस क्राइटेरिया को डिसाइड करने के लिए ऑडिटर क्या सोर्सेज यूज कर सकता है, एक तो मैंने तुम्हें एग्जाम्पल दिया, क्या सेम
डैम पहले भी बनी थी, तो ये भी क्राइटेरिया हो सकता है। इसने यहाँ पे क्या बोला है कि कोई क्राइटेरिया जो यूज किया सेम एंटिटी ने या अदर एंटिटी ने जो सिमिलर एक्टिविटी परफॉर्म करी है और सिमिलर प्रोग्राम यूज करी है, या आप किसी के रिसर्च पेपर यूज कर लो, है ना, कि अगर ऐसी कोई इंजीनियर का रिसर्च पेपर है, अगर कोई ऐसी डैम बनेगी तो इतना इतना खर्चा आना चाहिए, तो ये भी तुम्हारा क्राइटेरिया बन सकता है। तो ये उस वे से बात हो रही है, समझ में आ रहा है तुम्हें। अभी जा रही हूं मैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। ये थोड़ा सा ना, वैसे तो है ये क्वेश्चन परफॉर्मेंस ऑडिट के ऊपर ही बेस्ड, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन ना जिस वे से इस क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है वो थोड़ा सा आपको मुश्किल लग सकता है। अब मैं क्या बोलूं कि आपको क्या यही लिख कर आना चाहिए आंसर? अगर आप इन पॉइंट्स को याद कर सकते हो और एग्जैक्टली सेम आ जाता है ये क्वेश्चन, तो फिर आपको यही आंसर लिखना चाहिए। अगर नहीं आता है तो जो भी आपकी परफॉर्मेंस ऑडिट की अंडरस्टैंडिंग है, अगर कोई सिमिलर क्वेश्चन आता है तो आप उसको ही यूज करो, इट वुड बी बेटर। क्योंकि जब मैं इस क्वेश्चन के आंसर को पढ़ूंगी तब तुम्हें समझ में आएगा कि इंस्टीट्यूट ने क्या क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। कहता है CNAG अपॉइंटेड वर्मैन एसोसिएट्स, CAG ने अपॉइंट किया है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को जिसका नाम है वर्मैन एसोसिएट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म टू कंडक्ट द परफॉर्मेंस ऑडिट ऑफ मैप लिमिटेड विच इज अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो मतलब आप किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की ऑडिट करा है वर्मैन एसोसिएट्स। द फर्म कंडक्टेड द ऑडिट विद अ व्यू टू चेक ऑल द एक्सपेंसेस। ओके, अच्छा आप क्या कंडक्ट कर रहे हो? आप परफॉर्मेंस ऑडिट कंडक्ट कर रहे हो और आपके इस वर्मा एंड एसोसिएट्स ने जो ये ऑडिट कंडक्ट करी है, ये ऑडिट किस पर्सपेक्टिव से कंडक्ट करी है? तो कहते हैं द फर्म कंडक्टेड द ऑडिट विद अ व्यू टू चेक, कि सारे के सारे एक्सपेंसेस आप चेक करोगे, ऑफ द यूनिट वेदर दीज आर इन कंफॉर्मिटी विद द पब्लिक इंटरेस्ट एंड पब्लिक एक्सेप्टेड नॉर्म्स, कि भी जो जनरली पब्लिक एक्सेप्टेड नॉर्म्स है कि इस टाइप के एंटिटी में कितना खर्चा होना चाहिए, क्या उसके अकॉर्डिंग है, कस्टम के अकॉर्डिंग है या नहीं। बट ये तुम ऐसा काम तो परफॉर्मेंस ऑडिट में करते ही नहीं हो, ये काम तो तुम कहां पे करते हो? तो प्रोप्राइटी ऑडिट में होता है ना। ये परफॉर्मेंस ऑडिट में तो अभी हमने देखा ना कि तीन चीजें आप देखते हो, ई इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी इकोनॉमी। ऑडिट रिपोर्ट सबमिट हो गई है ऑडिट फर्म ने एंड कैग ने उसको रिजेक्ट कर दिया। कैग तो करेगा ही, गिव योर ओपिनियन ऑन द एक्शन ऑफ द कैग, कैग ने बिल्कुल सही किया। तो आप इसका आंसर मान लो कि आपके सामने ये आंसर नहीं है, फिर आप क्या आपको आंसर देना चाहिए? ऑल्दो मुझे लगता है ये एग्जाम में पहले पूछा गया क्वेश्चन है और इस वजह से ही यहाँ पे टेस्ट नॉलेज के अंदर है, तो ये सजेस्टेड आंसर इंस्टीट्यूट ने लिखा हुआ है यहाँ पे। अगर ये बिल्कुल ही आपने कभी इस क्वेश्चन को नहीं देखा और आपके सामने ये एग्जाम में पहली बार आ रहा है क्वेश्चन, तो फिर आप इसका आंसर क्या लिखोगे? सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि परफॉर्मेंस ऑडिट क्या है, फिर आपको ये बताना पड़ेगा कि परफॉर्मेंस ऑडिट के एलिमेंट होते हैं तीन, फिर आपको ये बताना पड़ेगा कि प्रोप्राइटी ऑडिट क्या होती है, उसकी डेफिनेशन जब आप देखोगे ना तो यही वहां पे आप चेक करते हो कि भी जो एक्सपेंडिचर किया जा रहा है क्या वो कस्टम्स के अकॉर्डिंग है वहां पे या नहीं, राइट? तो आप प्रोप्राइटी ऑडिट की डेफिनेशन बताओगे, फिर आप गिवन सिनेरियो लिखोगे कि अच्छा गिवन सिनेरियो में ये हो रहा है, फिर आप ये बताओगे कि ये तो परफॉर्मेंस ऑडिट है ही नहीं, ये तो क्या है, प्रोप्राइटी ऑडिट है, राइट? देयर आफ्टर फिर आप बताओगे कि कैग ने जो किया कैग ने सही किया। ये आपका एक आप कह सकते हो सही आंसर ऐसे बनेगा अगर आपके सामने ये आंसर नहीं है तो। कुछ बातें जो मैंने बोली है, कुछ बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, कुछ बातें यहाँ पे बहुत ज्यादा और एडिशनली लिखी हुई हैं, मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ वो बातें क्या हैं। कहते हैं इन द गिवन सिनेरियो, इसने क्वेश्चन का आंसर कहां से शुरू किया? सिनेरियो से, कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। कैग ने अपॉइंट किया है इन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को कि आप मेरी परफॉर्मेंस ऑडिट कंडक्ट कर दो, जो कौन है, PSU है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। फर्म ने कंडक्ट करी है आपकी ऑडिट और उसने क्या चेक किया, ऑल द एक्सपेंसेस, कि क्या आपके एक्सपेंसेस इस यूनिट के, वेदर दीज आर इन कंफॉर्मिटी टू द पब्लिक इंटरेस्ट एंड पब्लिक एक्सेप्टेड नॉर्म्स, जो कि परफॉर्मेंस ऑडिट नहीं है। ये मैंने आपको बताया कि ये परफॉर्मेंस ऑडिट नहीं है, इसने शायद कहीं पे लिखा ही नहीं कि प्रोप्राइटी ऑडिट है, बट ये एक्चुअल में है प्रोप्राइटी ऑडिट। आगे कहता है फिर इसने क्या बताया आपको, डेफिनेशन दी है कि परफॉर्मेंस ऑडिट की डेफिनेशन क्या है। ये मैं नहीं पढ़ रही, क्यों? क्योंकि ऊपर दो बार ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं जहां पे हम परफॉर्मेंस ऑडिट की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, तो इसने परफॉर्मेंस ऑडिट की डेफिनेशन दी है। आगे परफॉर्मेंस ऑडिट इन PSU, अब इसने थोड़ा सा स्पेसिफिक हो गया, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के अंदर परफॉर्मेंस ऑडिट इज कंडक्टेड बाय कैग, जो कि सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन है, और वो कैसे कंडक्ट करते हैं, सब ऑर्डिनेट ऑफिसेस के थ्रू, दैट इज सब ऑर्डिनेट ऑफिसेस ऑफ इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। एंड जब आपकी ये ऑडिट कंडक्ट की जाती है, सब ऑर्डिनेट ऑफिसेस आर गाइडेड बाय मैनुअल एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब्ड बाय कैग। तो ये किस क्राइटेरिया को यूज करके परफॉर्मेंस ऑडिट करते हैं, उन मैनुअल्स को यूज करके, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को यूज करके जो कैग ने प्रिस्क्राइब करे हैं, तो ये क्राइटेरिया हो गया। देयरफॉर ऑब्जेक्टिव क्या है परफॉर्मेंस ऑडिट का, मैंने क्या बोला, तीन चीजों की इवैल्यूएशन करना, दैट इज इकोनॉमी, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ दैट पॉलिसी जिसकी आप ऑडिट कर रहे हो, प्रोग्राम, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, जिसकी भी आप ऑडिट कर रहे हो। इट ऑल्सो फिर इसने बताया कि और क्या
परफॉर्मेंस ऑडिट और क्या प्रमोट करती है, इट ऑल्सो प्रमोट्स अकाउंटेबिलिटी. हमने ऊपर देखा परफॉर्मेंस ऑडिट इसलिए भी कराई जाती है क्योंकि अकाउंटेबिलिटी को फिक्स किया जा सके. इट प्रमोट्स अकाउंटेबिलिटी बाय असिस्टिंग द TCWG एंड ओवरसाइट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंप्रूव परफॉर्मेंस. ये पॉइंट हमने पहले भी कहीं और पढ़ा था. एंड ट्रांसपेरेंसी बाय अफोर्डिंग टैक्स पेयर्स दोज टारगेटेड बाय गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड अदर स्टेक होल्डर एंड इनसाइट इनटू मैनेजमेंट एंड आउटकम्स ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट एक्टिविटी. तो कहता है कि इस ऑडिट को कराने का ऑब्जेक्टिव ये है. दो बातें इसने लिखी कि जो आपके टैक्स पेयर हैं उनके पैसा सही यूज हो रहा है. क्योंकि अगर आप डैम बना रहे हो, कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हो, कोई भी एक्टिविटी को आप परफॉर्म कर रहे हो, तो अल्टीमेटली पैसा किसका है? टैक्स पेयर्स का, राइट? तो वहां पे सही वे से उनके पैसे का यूटिलाइजेशन हुआ है. पब्लिक अकाउंटेबिलिटी को आप फिक्स करना चाहते हो. इसके साथ साथ जिन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस प्रोजेक्ट को मैनेज करने की, जो होगी TCWG, वो अपने करेक्टिव एक्शन ले सके. फिर आगे कहते हैं, क्लास रुकी थी बीच में, ठीक है. आगे कहते हैं परफॉर्मेंस ऑडिट मोस्टली किसके ऊपर फोकस करती है? इट फोकसेस ऑन दी एरिया जहां पे आप वैल्यू एडिशन कर सकते हो. तो कहते हैं परफॉर्मेंस ऑडिटिंग मोस्टली फोकस ऑन दी एरियाज इन विच वैल्यू कैन बी एडिट एंड विच हैव द ग्रेटर पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट. यहां पे कंस्ट्रक्टिव इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाते हैं. किसको प्रोवाइड करता है आपका ऑडिटर ये इंसेंटिव्स, ये कंस्ट्रक्टिव ओपिनियन आपके रिस्पॉन्सिबल पार्टी को? तो कहते हैं फॉर द रिस्पॉन्सिबल पार्टीज ताकि वो एप्रोप्रिएट एक्शंस ले सके. अब अगला पॉइंट और ये अगला पॉइंट, ये कुछ कैग रेगुलेशंस बनाता है और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कैग ले डाउन करते हैं. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी मैनेजमेंट की भी होती है, ठीक है, और आपके ऑडिटर की भी होती है. तो कहते हैं रेगुलेशंस ऑन द ऑडिट एंड अकाउंट्स विच आर इशूड बाय कैग. तो ये रेगुलेशंस हैं जो कैग ने इशू करी है ऑन दी ऑडिट एंड अकाउंट्स. दीज रेगुलेशन ले डाउन दैट द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेजरेबल ऑब्जेक्टिव्स एंड परफॉर्मेंस इंडिकेटर एज ऑल्सो द सिस्टम ऑफ मेजरमेंट रेस्ट विद द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और हेड ऑफ एंटिटीज. तो कहते हैं कि आपके परफॉर्मेंस मेजरमेंट के स्टैंडर्ड्स क्या होंगे, परफॉर्मेंस के इंडिकेटर्स क्या होंगे, सिस्टम क्या होंगे आपके मेजरमेंट के, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास है, मतलब जिसके आप ऑडिट कर रहे हो उसी के पास है, या हेड ऑफ एंटिटीज के पास ये होगी. दे आर ऑल्सो रिक्वायर टू डिफाइन इन एंटिटीज को अपने इंटरमीडिएट एंड फाइनल आउटपुट्स को भी डिफाइन करना पड़ेगा, आउटकम्स को डिफाइन करने पड़ेगा इन मेजरेबल यूनिट्स, इन दी मेजरेबल एंड मोनिटरेबल टर्म्स. उनको स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा अपनी यूनिट कॉस्ट को, यूनिट कॉस्ट ऑफ डिलीवरी एंड बेंच मार्क क्वालिटी ऑफ आउटपुट्स. मतलब कि अपनी आउटपुट की क्वालिटी को वो किस बेंच मार्क के अगेंस्ट इवेलुएट करेंगे, उस बेंच मार्क को भी डिफाइन करना पड़ेगा. अपनी आउटकम्स को वो कैसे इवेलुएट करेंगे इसको भी डिफाइन करना पड़ेगा. दस फिर ये केस में आ जाता है वापिस. रिजेक्शन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट जो आपकी फॉर्म ने सबमिट करी है कैग के पास इज इन ऑर्डर. मतलब कैग ने सही इसको रिजेक्ट किया है क्योंकि जिस टाइप से आप काम कर रहे हो ये काम आपकी परफॉर्मेंस ऑडिट का नहीं है, जो मैंने आपको बताया. अब देखो इसके अंदर इतनी सारी बातें हैं जो मैंने आपके लिए पढ़ दी, बट मैंने क्या बोला था कि बीच में जाके आपको इतनी सारी बातें बताएगा जो आप याद नहीं रख पाओगे क्योंकि आपने इसको चैप्टर के अंदर नहीं पढ़ा. तो बेटर अप्रोच क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर लिखने का, जो मैंने आपको बिगिनिंग में बताया कि आप कैसे इसका आंसर लिखो, क्योंकि वही आंसर है जो आप याद रख सकते हो और वही आंसर है. अगर ये सेम क्वेश्चन नहीं आता है, कोई सिमिलर क्वेश्चन आ जाता है परफॉर्मेंस ऑडिट का, तो फिर एनीवेज आप इस आंसर को लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट क्या आप इसको याद कर सकते हो? अगर आप याद कर सकते हो इन पॉइंट्स को तो आप याद करो बैठ के. बट मैं बोलूंगी कि आपने जो परफॉर्मेंस ऑडिट का कंसेप्ट याद किया हुआ है उसी को अगर आप अप्लाई करोगे तो वो ज्यादा बेटर अप्रोच होगा, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 8, अगेन आई वुड से अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है. क्वेश्चन कहता है, बट ये क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा सिचुएशन स्पेसिफिक क्वेश्चन है, राइट. क्वेश्चन कहता है दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट इन कनेक्शन विद अ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी वर टू असर्टेन वेदर द फॉलोइंग. मतलब क्वेश्चन बता रहा है कि आप ऑडिट कर रहे हो किसी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की, राइट. एंड ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव है कि उसको ना इन चार चीजों को असर्टेन करना है, इनकी इवैल्यूएशन करनी है. क्या? टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी इज बीइंग रिकवर्ड बाय टाइमली सबमिशन टू द स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन. कि जो भी आपकी ये इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड कर रही है उसकी कॉस्ट की रिकवरी टाइमली बेसिस पे कर लेती है. टैरिफ ऑर्डर्स, सेल्स सर्कुलर्स, सेल्स इंस्ट्रक्शन वर इशूड टाइमली. जो भी आपके रेट के ऑर्डर्स हैं, टैरिफ ऑर्डर्स हैं, सेल्स के रिलेटेड सर्कुलर्स हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, गाइडेंस हैं, वो टाइमली इशू होती हैं विदाउट एनी एम्बिग्यूटी. उनके अंदर क्लैरिटी होती है, कोई एम्बिग्यूटी नहीं होती. दे वर इम्प्लीमेंटेड इन टाइम और उनकी इम्प्लीमेंटेशन इज ऑल्सो डन ऑन टाइम. मीटरिंग
बिलिंग एंड कलेक्शंस वॉज मैनेज्ड एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है कंपनी, तो मीटर लगाना, वहाँ पे बिल देना एंड वहाँ से बिल की कलेक्शंस करना, एवरीथिंग इज मैनेज्ड एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली. मतलब आपको ये इवेल्युएट करना है कि क्या ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है, वेदर मॉनिटरिंग एंड इंटरनल कंट्रोल्स आर एफिशिएंट और नॉट. तो आपको ये बताना है कि किस टाइप के ऑडिट की बात हो रही है. तो इसमें तुम्हारा फोकस है एफिशिएंसी के ऊपर, इफेक्टिवनेस के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर. तो हम यहाँ पे परफॉर्मेंस ऑडिट की बात कर रहे हैं, ठीक है. प्रिपेयर टू सैंपल ऑब्जर्वेशन विच कुड बी पार्ट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट. अब यहाँ पे तुम्हें थोड़ी अजम्पशन लेनी पड़ेगी. कहता है कि दो तुम अपने मन से कोई भी दो ऑब्जर्वेशन बताओ जिनको ऑडिटर अपनी रिपोर्ट के अंदर इंक्लूड कर सकता है. तो सबसे पहले तुमने क्या आइडेंटिफाई किया, ये किस टाइप की ऑडिट है, ये परफॉर्मेंस ऑडिट है. एंड दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ टू सैंपल ऑब्जर्वेशन जिसको ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर इंक्लूड कर सकता है. सबसे पहले कहते हैं नॉन रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव बर्नट मीटर. ये इसने पॉइंट कहां से उठाया होगा, यहां से, थर्ड पॉइंट से, कि ऑडिटर को इवेल्युएट करना था ना मीटरिंग को, बिलिंग एंड कलेक्शन, क्या ये मैनेज हो रहा है एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली. तो इसके रिलेशन में उसको नेगेटिव रिमार्क देना है. आपको क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि दो सैंपल ऑब्जर्वेशन बताओ, मतलब दो अपनी मर्जी के ऑब्जर्वेशन बताओ जिसको ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में डाल सकता है. तो पहली ऑब्जर्वेशन इसने थर्ड पॉइंट से उठाई है, कहते हैं नॉन रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव या बर्नट मीटर. इससे क्या हो रहा है कि मान लो कि आपका कहीं पे किसी के घर पे कोई भी या किसी भी शॉप पे मीटर लगा हुआ है कोई, और उस वो मीटर जल चुका है और उसकी रिप्लेसमेंट नहीं हो रही है बाय योर कंपनी ऑन द टाइम, जिसकी वजह से आपकी रीडिंग्स गलत आ रही हैं. तो कहते हैं लार्ज नंबर ऑफ द मीटर्स मच इन एक्सेस ऑफ द परमिटेड लिमिट ऑफ 1% ऑफ द टोटल मीटर्स वर डिफेक्टिव. जो जितने टोटल मीटर्स के आपके कनेक्शन है कंपनी के पास, उसमें से 1% से ज़्यादा के मीटर्स ऐसे हैं जो डिफेक्टिव हैं एंड उनकी रिप्लेसमेंट कंप्लीट नहीं हुई है विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम ऑफ 1 month. ऐसी आपकी यहाँ पे रेगुलेशन होगी, तो एक महीने के अंदर अभी तक उनकी रिप्लेसमेंट नहीं हुई है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, दिस रिजल्टेड इन बिलिंग ऑन एवरेज बेसिस फॉर कॉन्टिन्यूस पीरियड ऑफ सेवरल मंथ. जिसकी वजह से आप कोई एक्चुअल रीडिंग के बेसिस पे बिलिंग नहीं कर रही आपकी कंपनी, एवरेज बेसिस पे आप बिलिंग कर रहे हो. दिस कुड रिजल्ट इन लॉसेस एज वेल एज, इससे आपका फाइनेंशियल लॉस तो हो ही रहा है, इसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव हैसल्स क्रिएट हो रही है एंड डिस्प्यूट अराइज हो रही है विद द कंज्यूमर, क्योंकि आप एवरेज बेसिस पे आप, मतलब आप ऐसे बिल भेज रहे हो उनको कि ऑन एन एवरेज इस कस्टमर की कितनी यूनिट्स निकलती है, तो आपका नॉर्मली बिल कितना आता है, कोई एक्चुअल रीडिंग्स नहीं है, जिसकी वजह से कस्टमर के साथ भी आपकी कंपनी के डिस्प्यूट हो रहे हैं. तो ये एक ऑब्जर्वेशन है जो हो सकती है, सैंपल ऑब्जर्वेशन आपको यहाँ पे बतानी है. दूसरी इसने ऑब्जर्वेशन क्या बात करी है, अंडर चार्जिंग ऑफ मीटर रेंट. ये भी इसने कहाँ से उठाया है, ये भी आपके इसी पॉइंट से इसने उठाया है, राइट. इसको आप कंट्रोल से भी रिलेट कर सकते हो कि जो आपके इस कंपनी के कंट्रोल्स हैं इन रिलेशन टू द रेंट रिकवरी, वो आपके एफिशिएंट नहीं है. तो कहते हैं जो आपका शेड्यूल है चार्जेस का, जो इसका टैरिफ है, उसके अकॉर्डिंग कंपनी को चार्ज करना चाहिए मीटर रेंट कितने का, 30 पर मंथ का फॉर सिंगल फेज एंड 40 पर मंथ फॉर 3 phase मीटर. लेकिन इट वॉज ऑब्जर्व दैट कंपनी हैड शॉर्ट चार्ज मीटर रेंट ऑफ ₹60 lakh. आपने सब कुछ हाइपोथेटिकल यहाँ पे ऑब्जर्वेशन लिखी हुई कि 60 lakh जो आपने रेंट चार्ज किया वो कम चार्ज किया है, शॉर्टेज है 60 lakh की फ्रॉम 3 lakh कस्टमर, और ये किससे रिलेट करता था, 3 lakh कस्टमर से और 5 lakh बिल से ड्यूरिंग द पीरियड. तो ये दो सैंपल ऑब्जर्वेशन है जो यहाँ पे लिखे हुए, दोनों मीटर से रिलेटेड है, ठीक है. सो दिस वॉज योर चैप्टर ऑफ ऑडिट ऑफ PSU. इसके बाद पार्ट 3 के अंदर है केस सिनेरियो, और ये आपकी ICAI की जो न्यू केस स्टडीज हैं उस केस स्टडी का केस नंबर 20 है, राइट. यहाँ पे SRM एंड एसोसिएट्स लिखा हुआ है, उस केस स्टडी के अंदर कपिल एंड एसोसिएट्स है, बाकी सब कुछ सही है. ये वाला आपकी केस स्टडी है. ये आपको कहाँ पे मिल जाएगी, ये YouTube पे मिल जाएगी, वीडियोस के अंदर मिल जाएगी. कहाँ पे चला गया, हाँ, ये आपको YouTube पे मिल जाएगी. ये उन बच्चों के लिए बोल रही हूँ जो इसको ड्राइव पे देखने वाले हैं, ठीक है, और जो YouTube पे देखने वाले हैं उनको भी YouTube पे ही मिलेगी. तो न्यू केस स्टडीज का जो पार्ट नंबर 2 है, वहां पे केस स्टडी नंबर 20 है, सेम ही केस स्टडी है, आप इसको वहां से कवर कर सकते हो. दिस वॉज योर ऑडिट ऑफ PSU. इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस के साथ, दैट इज चैप्टर नंबर 16. अंटिल देन, बाय बाय.